हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एंड डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमारा जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, वो हमारा चल रहा था, जिसमें हम उसके न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने जो पिछला वीडियो था दोस्तों हमारा, उसमें हमने लगभग 6 न्यूमेरिकल पूरे के पूरे फ्रेश कर लिए थे, और उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो पीछे के जो न्यूमेरिकल आपने पढ़े एक कॉन्सेप्ट पर बेसिस थे, इसी तरीके से आज जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे वो भी एक कॉन्सेप्ट पर बेस होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट जब अलग अलग दे रखा होगा तो हम कैसे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम लोग बनाएंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी जाकर के आप लोग न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि जो आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका कंप्लीट प्रिपरेशन दोनों लैंग्वेज में विथ PDF नोट्स आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से जुड़ जाइएगा, और जो अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ये जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये आपका UPBT सिविल 6 सेमेस्टर में तो है ही, और साथ ही साथ बहुत ही सारे अन्य ऐसे बोर्ड्स हैं जिनमें भी ये जो आपका सब्जेक्ट है वो रखा गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, तो इससे लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक जरूर करिएगा, आपको वहाँ पे वीडियो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले केस पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा तो वो क्या है, ठीक है। तो वो केस बाई केस हम स्टडी करते हैं। तो जो पहला केस है दोस्तों, वो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लैप ज्वाइंट के लिए। समझिए इस चीज़ को, फिर आपको न्यूमेरिकल बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे किसके लिए, लैप ज्वाइंट के लिए। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक्स है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जो हम पिछले क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, या करते चले आए हैं, उनमें जो हमारी ये मेन प्लेटें होती थी, इनकी थिकनेस दोस्तों हमारी क्या देती थी, बराबर रहती थी, ठीक है। तो जब ये हमारी थिकनेस बराबर रहती थी तो हम क्या करते थे कि जो हमारा टी का वैल्यू रहता था वो हम कोई भी एक उठा लेते थे, ठीक है। जैसे ये 12 mm की है, ये भी 12 mm की है, तो टी का वैल्यू हम कुछ भी कंसिडर कर लेते थे। लेकिन सपोज़ करके मानिए कि ये आपका T1 है और ये सपोज़ करके आपका T2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, T1 आपका मान लेता हूँ मैं कि 20 mm है, और T2 मान लेता हूँ कि आपका 25 mm है। तो फिर आप लोग कौन सा T लेंगे, मतलब T का वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो टी का वैल्यू कौन सा आपको लेके चलना, ये समझिएगा। तो पहला केस है लैप ज्वाइंट का केस, मतलब जब लैप ज्वाइंट में दोनों मेन प्लेटों की थिकनेस जो है आपकी अलग अलग दी हो, तो हम थिकनेस कौन सी लेंगे। तो दोस्तों आपको देखना है कि जो T1 है और जो T2 है, इसमें से जो मिनिमम होगा, ध्यान रखो, जो मिनिमम होगा वो वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना। कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी उसी को हम लेंगे क्वेश्चन में। तो T1 और T2 में से कौन सा काम है हमारा, 20 mm, तो हम इसी को लेंगे, और इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे। अब आप कहेंगे सर मिनिमम वाली क्यों ली, हम कहेंगे अगर प्लेट को टेंशन में फेल होना है तो कौन सी प्लेट फटेगी सबसे पहले, 20 mm वाली की 25 mm वाली। आप कहेंगे 20 mm वाली, तो इसीलिए इसको कंसीडर करेंगे। जो स्ट्रेंथ निकालेंगे इसके बेस पे निकालेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ इसके बेस पे निकालेंगे तो इससे पहले ये प्लेट ही फट जाएगी, समझ रहे हो, यानी ज्वाइंट ही फेल हो जाएगा। तो हम स्ट्रेंथ जो लेंगे वो इसके बेस पे लेंगे, किसके बेस पे, मिनिमम वाली के बेस पे। तो आपको ध्यान रखना है, या नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि लैप ज्वाइंट में दोनों मेन प्लेटों की थिकनेस अगर अलग अलग है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी प्लेट की वो हम लोग लेंगे टी के रूप में, यानी टी बराबर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारा 20 mm हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो लैप ज्वाइंट का तो समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं केस दूसरा, जो कि हमारा है बट ज्वाइंट का। तो बट ज्वाइंट की दो कंडीशन होगी, तीन भी हो सकती हैं, तो इनको समझना, ठीक है। बट ज्वाइंट का, तो अगर सपोज करके ये आपका एक मेन प्लेट है, ये दूसरा मेन प्लेट, ठीक है, इसमें लोड स्टाइल लग रहा होगा, तो वो आप समझ रहे हैं, मैं अगर नहीं भी बनाया हुआ हूँ तो वो देख लो थोड़ा सा, ठीक है। ये लोड स्टाइल लग रहा है, इसमें भी लोड तुम्हारा स्टाइल लग रहा होगा, या स्ट्रेस कह लो, जो भी तुम्हें बोलना हो वो कह दो, ठीक है। ये स्टाइल लग रहा होगा, तो ये तुम्हारी मेन प्लेट है। तो बट ज्वाइंट में ध्यान रखना कि जो दोनों की दोनों तुम्हारी मेन प्लेटें होंगी उनकी थिकनेस तो बराबर होगी। अगर इसकी तुम्हारी थिकनेस T1 है तो इसकी थिकनेस भी तुम्हारी T1 ही होगी। मान लो सपोज करके ये तुम्हारा क्या है, 20 mm है, तो ये भी तुम्हारा 20 mm ही होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, बट ज्वाइंट के केस में। लेकिन जो कवर प्लेटें होंगी इनकी थिकनेस अलग अलग रहेगी, मतलब कि जैसे ये आपका 20 mm है तो इनकी थिकनेस हो सकता है 8-8 mm हो या 7-7 mm हो, लेकिन होगी दोनों की भी सेम, ये भी तुम ध्यान रखो। जैसे सपोज करके इसका कोई थिकनेस है, सपोज करके T2, और ये भी T2 ही रहेगा, और अगर ये तुम्हें दे दिया मान लीजिए 8 mm, और यहाँ पर तुम्हें दे दिया मान लीजिए ये भी 8 mm, तो अब तुम टी के रूप में क्या कंसीडर करोगे। सपोज करके तुम प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हें टी का यूज़ होगा कि नहीं होगा, टी का यूज़ करोगे, बिल्कुल करोगे। अगर तुम बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो वहाँ पर आपका टी का ज़रूरत होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है ना। हम अगर PV की वैल्यू निकालते हैं सपोज करके ऐसे, तो PV बराबर हमारा क्या होता है, FV, ठीक है। इसके बाद क्या होता है,
डी इंटू टी होता है कि नहीं होता है? होता है डी इंटू टी इंटू नंबर ऑफ रिबेट्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते नंबर ऑफ रिबेट्स? तो सपोज करके ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसा डायग्राम दे दिया, तो अब हम कौन सा टी ले लें, क्योंकि यहाँ तो 20 mm भी है, 8 mm भी है, कौन सा टी रखें यहाँ पे? तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको टी जो लेना है वो किस तरीके से लेना है वो ध्यान से समझिएगा। आप जो टी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो दोनों की दोनों कवर प्लेट है उनकी जो थिकनेस है 8 mm और ये 8 mm, इन दोनों को जोड़ देंगे सबसे पहले। तो 8 mm और 8 mm कितना हो गया तुम्हारा 16 mm। तो ये तुम रख लोगे, मतलब दोनों का सम कर दोगे दोनों कवर प्लेट का। इसके बाद जो तुम्हारी मेन प्लेट होगी उसकी तुम थिकनेस ले लोगे। तो ये मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है 20 mm, ये कवर प्लेट की थिकनेस का योग है, ये केवल मेन प्लेट की थिकनेस है, किसकी, मेन प्लेट की। और फिर इन दोनों में तुम कंपेयर करोगे कौन छोटा है, मतलब कौन कम है, जो कम होगा वही तुम्हारा टी का वैल्यू होगा। तो कौन कम है 16 mm, मतलब दोनों कवर प्लेट का सम कम है या केवल मेन प्लेट की थिकनेस कम है? तो इन दोनों में से जो सम है दोनों कवर प्लेट की थिकनेस का वो कम है, तो वही हमारा टी का वैल्यू हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा तो समझिएगा, इसलिए हमने इसको ले लिया, क्यों ले लिया। देखो अगर आपकी प्लेट टेंशन में फेल होगी, तो देखिए प्लेट को टेंशन में फेल होने के लिए सपोज करके अगर वो मेन प्लेट से फेल होती है, तो मेन प्लेट से अगर उसको फेल होना है, मान लो यहाँ से कहीं से भी कट रही है, तो उसको 20 mm थिकनेस को काटना पड़ेगा तब जाके फेल होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो जॉइंट है दोस्तों, वो यहाँ जो कवर प्लेट लगा रखी है, इतनी कवर प्लेट ये कट जाए और नीचे इतनी कवर प्लेट ये कट जाए, तब भी तो जॉइंट फेल हो सकता है, मतलब इतना पार्ट अलग हो जाएगा, इतना पार्ट अलग हो जाएगा। तो अगर यहाँ से कटेगी तो 8 mm ये कटना पड़ेगा और नीचे भी 8 mm कटना पड़ेगा, मतलब टोटल 16 mm काटना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा कटना ईजी है, 16 mm कटना ईजी है कि 20 mm कटना ईजी है? तो आप कहेंगे 16 mm कटना ईजी है, ये जल्दी कट जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेंथ हम किसके बेस पे निकालेंगे, 16 mm के बेस पे निकालेंगे, ना कि 20 mm के बेस पे। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, मिनिमम, इन दोनों का सम लेंगे। अगर जोड़ को फेल होना है और मेन प्लेट से फेल होना है तो वो आपका 20 mm काटेगा, यानी कटना पड़ेगा। लेकिन अगर कवर प्लेट से यहाँ से कट के फेल हो रहा है तो 8 और 8 16 mm को फेल करना पड़ेगा, मतलब इतनी थिकनेस को काटना पड़ेगा। तो ये कटना ईजी है, इसीलिए हम 16 mm ले लेंगे मिनिमम वाला। तो ये केस समझ गए। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ मान लो ये होता कि यहाँ पर T1 की वैल्यू, ये तो समझ गए ना, लेकिन सपोज करके ये T1 तुम्हारा 20 mm ही रहता, ये भी तुम्हारा मेन प्लेट है, मान लो ये T1 है तुम्हारा 20 mm ही है, लेकिन अब ये जो कवर प्लेट है इसकी थिकनेस T1 है और ये जो कवर प्लेट है इसकी थिकनेस T1 है, ठीक है। लेकिन अब इनकी वैल्यू तुम्हें इस तरीके से दे दी, सपोज करके मैं मान लेता हूँ, जैसे तुम्हारा ये वैल्यू दे दिया, अभी कितना दिया था 8 दिया था, ठीक है, 8 दिया था तुम्हारा अभी, तो ये तो कम था, जोड़ने पर 16 आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें वैल्यू ऐसी दे दूं कि जो जोड़ने पे मेन प्लेट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी मान लो तुम, सपोज़ करके जैसे मैं मान लेता हूँ 10 अगर मानूंगे तो 20 ही आएगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा कितना है 12 mm है, कितना है 12 mm, ये मैं मान लेता हूँ कितना है मेरा 12 mm है, ठीक है। तो अब तुम्हें कैसे निकालनी है कि टी का जो वैल्यू होगा तुम वो क्या लोगे, तो तुम फिर वही काम करोगे, दोनों की दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को जोड़ दोगे, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा 24 mm। तो ये तो तुम्हारी कवर प्लेट की थिकनेस का योग हो गया, ठीक है। अब तुम जो मेन प्लेट है वो लिख लोगे, तो मेन प्लेट 20 mm की है, तो ये लिख लिया, ये तुम्हारी मेन प्लेट है और ये तुम्हारी दोनों की दोनों कवर प्लेट का सम है। अब तुम इन दोनों में देखोगे कौन कम है, कौन सी कम है बताओ, दोनों कवर प्लेट की थिकनेस का योग या केवल मेन प्लेट की थिकनेस? तो आप कहोगे इस बार तो मेन प्लेट की थिकनेस कम है, तो इस बार जो टी का वैल्यू हो जाएगा वो 20 mm हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हर बार आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो लैप जॉइंट में मिनिमम वैल्यू कैसे लेना, ये तो ईजी होता है, लेकिन कवर जो प्लेट दे दे, मतलब जब बट जॉइंट दे दे, तो कैसे हमें ज्ञात करना होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों जो कवर प्लेटें हैं अगर उनकी थिकनेस दी है और मेन प्लेट की भी थिकनेस दी है, तो सबसे पहले हम दोनों की दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को जोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये जो थिकनेस है, मतलब जो आपका योग है वो आपका मेन प्लेट से दोस्तों क्या है, कम है या फिर ज़्यादा है। अगर कम है तो यही ले लेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर हम मेन प्लेट वाला ले लेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सर अगर दोनों कवर प्लेट ना दी हो, केवल एक ही कवर प्लेट दी हो, मतलब नीचे की कवर प्लेट हो ना, ये वाली कवर प्लेट ही ना हो, यहाँ पर इस तरीके से एक रिवेट लगा रखा होगा, इस तरीके से यहाँ पर एक रिवेट लगा रखा होगा, इसकी थिकनेस सपोज करके 20 mm है, इसकी थिकनेस 20 mm है और इसकी जो थिकनेस है वो केवल मान लीजिए 8 mm दे दी है, तो हम कहेंगे इस बार तुम्हारा टी का वैल्यू 8 mm हो जाएगा मिनिमम वाला, क्योंकि यहाँ से कटना बहुत इजी है, यहाँ से प्लेट जल्दी कट के अलग हो जाएगी और जॉइंट भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वाली वैल्यू ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में तुम्हारा यूज़ होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि थिकनेस को किस तरीके से लेना है, जो मिनिमम हो वही लेंगे, लेफ्ट जॉइंट में दोनों प्लेटों में देखेंगे कौन कम है वो ले लेंगे,
बट ज्वाइंट में दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये जो योग आ रहा है वो मेन प्लेट से कम आ रहा है या फिर ज़्यादा। अगर कम आ रहा है तो वही ले लेंगे, सम लेंगे। ध्यान रखना ये मत ले लेना कि थिकनेस अकेले लेना है, थिकनेस अकेले नहीं सम लेना है, क्योंकि फेल होने के लिए दोनों का सम काटना पड़ेगा तब जाकर के ये फेल हो पाएगा। इतना ये काटना पड़ेगा, इतना ये काटना पड़ेगा, तो पूरा 16 mm ले लेंगे, ठीक है, जो मिनिमम होगा दोनों में से। और अगर ये ज़्यादा आ रहा है सम, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मेन प्लेट से ज़्यादा होगा, तो फिर कम कौन हो जाएगा, मेन प्लेट वाला, तो मेन प्लेट वाला ले लेंगे, मतलब जैसे 20 mm, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा। चलिए अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको बनाते हैं किस तरीके से करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ मैं आपका, 7वां क्वेश्चन है, हालांकि बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में चलिए पढ़ते हैं। बोला है कि एक लैप ज्वाइंट में 25 mm तथा 20 mm मोटी दो प्लेटों को हमने 28 mm डाया की रिवेट से जोड़ा है, ठीक है। क्या बोला है, आपने क्या किया है, एक लैप जोड़ बनाया है जिसमें एक 25 mm की और एक तुम्हारी 20 mm मोटी प्लेट है। तो ये 20 mm मोटी प्लेट मैंने मान ली, एक 25, तो ये कितनी है 25 mm और ये कितनी है 20 mm मोटी है, ठीक है। ये 25 mm मोटी है, इनको तुमने क्या करा है, एक लैप जोड़ बना करके जोड़ा है, ठीक है। किससे जोड़ा है, 28 mm डाया की रिवेट से जोड़ा है, ठीक है। परमिजिबल सीयर स्ट्रेस इतने इतने दिए गए हैं, ठीक है। अब ये तो बोला नहीं कि सिंगल रिवेटेड है, डबल रिवेटेड है, क्या है, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम इसको मान लीजिए सपोज करके सिंगल रिवेटेड ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जोड़ा होगा, हो सकता है डबल रिवेटेड भी हो, लेकिन कुछ बोला नहीं तो हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है। चलिए अब गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या क्या है वो थोड़ा लिख लेते हैं, और फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है रिवेट वैल्यू, यानी रिवेट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आरवी की वैल्यू इंग्लिश में पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लो। बोला है इन अ लैप जॉइंट टू प्लेट्स ऑफ 25 and 20 mm थिकनेस आर जॉइंड या कनेक्टेड, लिख लो जो सबसे बढ़िया टेक्निकल वर्ड है, कनेक्टेड, ठीक है। आर कनेक्टेड बाई रिवेट्स ऑफ 28 mm डायमीटर। बोला है परमिजिबल स्ट्रेसेस इतने इतने और इतने दिए गए हों, तो आपको क्या करना है, रिवेट वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें आरवी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। लेकिन गिवन क्या क्या है, तो गिवन है दोस्तों हमें ये 20 mm, ये 25 mm, तो टी का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ, जो मिनिमम है वो, तो टी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमें रिवेट का डाया दिया गया है, तो रिवेट का डाया जो कितना है, कितना दिया, देखो रिवेट का डाया 28 mm दिया है, तो ये तो हमारा क्या है, नॉमिनल है, तो ग्रॉस कितना हो जाएगा, यानी स्मॉल डी कितना हो जाएगा, तो 28 यानी 25 से ज़्यादा है, तो हम कितना जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे, तो यानी ये हमारा 30 mm हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस डाया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया, सबको समझ में आ गया। इसके बाद परमिजिबल स्ट्रेसेस दिए हैं, तो FS की वैल्यू दी है, जो कि कितनी हो जाएगी, 100 newton per mm square, ठीक है। FV की वैल्यू कितनी दी है, 300 newton per mm square, ठीक है। इतना तो दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा है। अब रिवेट वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखिए रिवेट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, रिवेट का फेल्योर निकालते हैं, क्योंकि रिवेट वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी एक जो सिंगल रिवेट है वो मैक्सिमम कितना लोड ले पा रहा है या फोर्स ले पा रहा है, मतलब उसका फेल्योर एक तरीके से, ठीक है। एक जो सिंगल रिवेट होगा हमारा, वो किस लोड पर या किस फोर्स पर फेल हो जाएगा, वही हमको निकालना होता है। तो हम जानते हैं कि एक रिवेट जो होगा हमारा, एक जो रिवेट होगा सिंगल रिवेट, वो या तो सीयर में फेल होता है या बियरिंग में फेल होता है, किस में, या तो सीयर में फेल होगा या वो बियरिंग में फेल होता है, ये हमको पता है, ठीक है, समझ गए। तो यानी हम क्या करेंगे, उसकी सीयर स्ट्रेंथ निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, जो मिनिमम होगा वही रिवेट वैल्यू हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब सीयर में या तो वो सिंगल सीयर में फेल होगा या डबल सीयर में फेल होगा, तो किस में होगा वो हम फिगर देख के पता कर लेंगे। तो चूंकि ये लैप जॉइंट है हमारा, तो सिंगल सीयर में ही फेल होगा, इसीलिए जो PS की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, PS की वैल्यू हो जाएगी FS into π/4 और d², और सिंगल सीयर फेल्योर है तो एक से गुणा करा देंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फेल्योर, नंबर ऑफ रिवेट या नंबर ऑफ फेल्योर प्लेन, इनसे गुणा कराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक सिंगल रिवेट के लिए निकाल रहे हो, तो ये सब रख करके भी क्या करोगे तुम, ठीक है। चलिए एक से सीधा गुणा करा दो, ये आपका सिंगल जो है फेल्योर को दिखा रहा है, चलिए इतना कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, तो यहाँ से PS का वैल्यू कितना आ जाएगा, FS, तो FS का वैल्यू कितना है, 100 into π/4, और डाया कितना दिया है, तो डी निकाला था हमने 30 mm, ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कर दोगे गुणे में एक, तो तुम्हारा यहाँ से PS का वैल्यू निकल आएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी से कितना आएगा, ठीक है, आप भी एक बार कैलकुलेट जरूर किया करेंगे। तो ये आ गया 100 into में शिफ्ट के साथ पाई और into में 30 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई जब 4 करोगे तो ये तुम्हारा दोस्तों निकल करके आएगा कितना, 70.6 kN, ठीक है, ये PS का वैल्यू हो गया।
अब तुमसे अगर बीयरिंग पूछे, यानी बीयरिंग में फेल्योर या बीयरिंग स्ट्रेंथ एक तरीके से, क्योंकि फेल्योर को ही स्ट्रेंथ कहते हैं हम लोग, राइट। ये पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अगर किसी का फेल्योर पता कर लिए तो समझ लो उसकी स्ट्रेंथ पता कर ली हमने। तो अब एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एफ बी की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ बी और इंटू में ये तो स्ट्रेस हो गया, एरिया कितना लेते हैं, डी इंटू टी, ठीक है, समझ में आ गया। इनटू में नंबर ऑफ रिवेट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिवेट में हमारा सिंगल रिवेट है, एक ही रिवेट के लिए निकाल रहे, तो एक से गुणा कराने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो एफ बी का वैल्यू कितना दिया है, 300 दिया है, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। इनटू डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू 30 दिया है, और टी का वैल्यू कितना है, तो ध्यान रखना मिनिमम वाला, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ से निकल आएगा कितना, तो इसको कैलकुलेट कर लो, अगर तुम सीधा सीधा निकालना चाहो तो निकल जाएगा। देखो यहीं से ये 3 × 6 और 6 × 18 हो जाएगा, और ये 4 0 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो ये न्यूटन कहलाएगा, अभी 3 0 हटा दो तो 180 ये किलो न्यूटन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारी पी वी की वैल्यू हो गई। अब रिवेट वैल्यू क्या कहता है, रिवेट वैल्यू कहता है कि पी एस और पी वी में जो मिनिमम होगा वही तुम्हारा रिवेट वैल्यू होगा, ठीक है। तो रिवेट वैल्यू अगर मैं आर वी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 70.6 लोगे, 180 लोगे, तो मिनिमम वाला यानी 70.6 किलो न्यूटन, तो ये तुम्हारा रिवेट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसकी ओर, ठीक है। तो रिवेट वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 70.6 किलो न्यूटन, राइट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बेसिक। देखिए ये हम रिवेट वैल्यू निकालना तो फाइंड कर चुके थे, मतलब सीख चुके थे, ठीक है, पिछले जो वीडियो थे उसमें हमारा। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ है वो थिकनेस वाला यूज़ हुआ है, कि अगर थिकनेस अलग अलग दे तो कौन सी थिकनेस लेनी है। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं और भी क्वेश्चन में अप्लाई करूँ जो हमने कल सीखे हुए थे, तो आप मुझे बताइए क्या आपको नहीं बनेंगे। देखो मैं बताता हूँ, आपको बन जाएंगे। देखिए जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो हमने आपको कल बताए थे, जैसे कि ये पांचवा क्वेश्चन बताया था एक, जिसको हमने बड़े भैया कहा था, है ना। इसमें क्या था हमारा, इसमें हमें क्या था, जो हमारा रिवेट जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी थी। इसमें हमें पूरा प्लान दिया था, रिवेट हम गिन सकते थे, हमें पूरी चौड़ाई दी थी, ठीक है, और दोनों मेन प्लेटों की थिकनेस दी थी, 15 mm 15 mm दी थी, दोनों की सेम थी। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो मैं इसको 12 mm कर देता और इसी को नीचे वाली को 15 mm रहने देता, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का मेथड बिल्कुल सेम है, कि वही पीएस निकालना है, वही तुम्हें पीबी निकालना है, वही तुम्हें पीटी निकालना है, मिनिमम वैल्यू लेना है। लेकिन अब जहाँ जहाँ तुम टी यूज करोगे वो टी की वैल्यू 15 ना लेकर के तुम मिनिमम वाला लोगे, मतलब 12 mm। तो इसी क्वेश्चन को तुम करके देखना, बस कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया हमने कि दोनों की थिकनेस चेंज कर दी, तो ये भी बन जाएगा। ये कौन सा है, जब आपको पूरा चौड़ाई दिया हो प्लेट का, यानी आप रिवेट गिन सकते हो। लेकिन इसका छोटा भाई भी था जिसमें पिच दी रहती थी, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम चीज़ें रहेंगी आपकी, बस केवल इसमें प्लान नहीं दिया रहता, इसमें हमें पिच दी रहती है, तो पिच के बेस पे हमें निकालना होता है, यानी पर पिच जो है हमें यहाँ स्ट्रेंथ निकालनी होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोनों मेन प्लेट की थिकनेस कितनी कितनी दी है, 16 mm और 16 mm दी है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा क्या करें, वो वीडियो देख लें, उनको भी पकड़ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की जैसे 16 16 mm दी थी, अगर मैं यहीं पे ये 16 है, इसका मैं 14 कर देता, इसका मैं 14 mm कर देता, तो अब तुम क्या करते, दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेते। जहाँ तुमने 16 ले रखा, यहाँ तुम 14 mm कर लेते, ठीक है, कितना कर लेते, 14 mm। तो ये तुम्हारा टी का वैल्यू होता, पूरा सॉल्यूशन वही सेम रहता, पूरा सॉल्यूशन वही सेम रहता। जैसे पी एस निकाला बिल्कुल सेम निकालते, पी बी जैसे निकाला पी बी भी बिल्कुल सेम निकालते। लेकिन जहाँ टी का वैल्यू तुम 16 यूज करे हुए हो, यहाँ कितना यूज करते, अब 14 mm यूज करते, ठीक है। और जो तुम्हारा पी टी होगा, वहाँ तुम जो टी 16 mm यूज करे थे वो भी तुम कितना यूज करते, तुम करते 14 mm यूज। तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएंगे, बताओ, नहीं आएंगे इस तरीके क्वेश्चन, आ जाएंगे बहुत बहुत आसानी से आ जाएंगे। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ इस टाइप के, फिर हम और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कैसे करना है, तो ये ट्राई करना आप लोग कि कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ और क्वेश्चन तुमको कराता हूँ। तो ये 7वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब टोटल जो अभी हमने क्वेश्चन करे हैं इस चैप्टर से, 7वां हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं आपको स्क्रीन पर शो करूँगा, तो आप लोगों को ध्यान से उसको पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलिए तो मैं 8वें क्वेश्चन को दोस्तों दिखाता हूँ यहाँ पे, जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, एक बार रुक जाइए, थोड़ा चेक कर लीजिए मुझे। हाँ, ये बिल्कुल इसी के बेस पे, इसमें भी थिकनेस अलग अलग दी है। चलिए तो तुम 8वां क्वेश्चन देखो, तो मैं स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, देखिए 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, बोला है एक तिहरे रिवेटदार लैप जोड़ में या लैप ज्वाइंट में मेन प्लेट की जो मोटाइयाँ हैं वो 12 mm तथा 16 mm है, समझे चीज़ को। यानी ट्रिपल रिवेटेड लैप जोड़ है आपका, यानी लैप ज्वाइंट है, जिसमें मेन प्लेटों की जो थिकनेस है वो 12 mm है तथा 16 mm है, ठीक है। जिन्हें आपने 20 mm डाया के रिवेटों के द्वारा 75 mm की पिच पे जो है जोड़ा है, जोड़ की सामर्थ्य आपको ज्ञात करनी है,
ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बोला है इन ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट्स आर 12 mm एंड 16 mm, ठीक है, विच आर ज्वाइंड बाई 20 mm डायामीटर रिवेट्स विथ अ पिच ऑफ 75 mm, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट इफ द परमिजिबल स्ट्रेस इज एफ टी इज इक्वल टू इतना, एफ एस इज इक्वल टू इतना, एफ बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। यहाँ जहाँ न्यूटन प्रति mm लिखा है ना, यहाँ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर कर लेना हर जगह, ठीक है, एफ टी के बाद, एफ एस के बाद और एफ बी के बाद, ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है। तो बताइए ये भी क्वेश्चन इसी मेथड पर ही बेस्ड है। वैसे अगर यहाँ थिकनेस बराबर दी रहती, मतलब जो बोला है ना कि मेन प्लेटों की थिकनेस 12 है 16 है, अगर 12-12 दी रहती तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, वही छोटे भाई अपने, ठीक है, समझ गए। फिर भी मैं करा देता हूँ, यहाँ अगर थिकनेस अलग अलग दी है तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ट्रिपल रिवेट हमारा यहाँ पे लेफ्ट जॉइंट बोला है, ठीक है, तो ट्रिपल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट को कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे, देखो ये हमारी एक मेन प्लेट है, इसके बाद हमारी ये क्या है, ये दूसरी जो मेन प्लेट है वो है हमारी, ठीक है, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट है ये हमारा, ठीक है। अगर आप थिकनेस लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसका कितना दिया है, एक की दी है आपको 12 mm, तो ये हमारी 12 mm हो जाएगी, और एक हमारी दी है 16 mm, तो ये हमारी 16 mm हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब ट्रिपल रिवेटेड है तो सामने से तीन रिवेट दिखाई देंगे एलिवेशन में, 1, 2 और ये 3, तो ये हमारे 3 रिवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम इनको बना लोगे, ठीक है, फिगर बना लिया करो, थोड़ा सा ईजी हो जाता है समझना, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाओ, ये ट्रिपल रिवेटेड तुम्हारा लैप जॉइंट हो गया, ठीक है। और थिकनेस दिखा दी हमने, बोला है 20 mm व्यास के रिवेटों द्वारा, ठीक है, तो डाया जो दिया है वो नॉमिनल वाला है, ठीक है, यानी नॉमिनल जो डाया दिया है, तो कौन सा दिया है, नॉमिनल दिया है, नॉमिनल डाया कितना दिया था 20 mm, तो अगर मैं तुमसे कहूँ ग्रॉस कितना हो जाएगा, यानी स्मॉल डी जो ग्रॉस डाया है, जो ग्रॉस डाया है स्मॉल डी वो कितना हो जाएगा, तो ये 25 से कम है यानी 1.5 जोड़ देंगे, तो 21.5 mm तुम्हारा ग्रॉस डायमीटर हो जाएगा। फिर बोला है पिच दी है 75 mm, तो पिच पी बराबर हो जाएगा 75 mm, तो वो मैंने लिख दिया। इसके बाद परमिजिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज दी है हमें, तो पहला दिया है एफ टी जो कि हमारा कितना है 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसके बाद अगला, इसके बाद एफ एस दिया है 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसके बाद दिया है एफ बी, तो एफ बी का जो वैल्यू है कितना है 300 दिया है, 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो ये हमारी तीनों की तीनों वैल्यूज है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करनी है, तो जोड़ की सामर्थ्य कैसे ज्ञात कर लेंगे हम लोग, जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो पी एस पी बी और जो पी टी की वैल्यू है इनमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और किसके लिए निकालना है, पर पिच के लिए निकालना है, ठीक है। चलिए तो अब इस बार आपको क्या करना है, पर पिच लेंथ के लिए निकालना है। तो सबसे पहला आप निकालिए पी एस का वैल्यू, तो पी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू में एरिया, तो पाई बाई 4 d² तुम कर दोगे। अब इंटू में तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था कि तुम नंबर ऑफ रिवेट ले लो, क्या ले लो नंबर ऑफ रिवेट, और इनटू में टाइप्स ऑफ फेल्योर कर दो, टाइप्स ऑफ फेल्योर यानी किस तरीके का फेल्योर है, सिंगल या डबल, ठीक है, और रिवेट कितने, एक तो ये कर दिए कर दो, और दूसरा ये बताया था कि ये सेम करके इतने की जगह कितना कर दो, आप कर दो दोस्तों नंबर ऑफ फेल्योर प्लेन, तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू दोनों से सेम ही आती है। तो एफ एस का वैल्यू कितना है, एफ एस का वैल्यू देखो ये रहा 100, ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू रख लो अभी तो सीधा है ना हमारे पास, 21.5 दिया है, ठीक है, तो तुम इसकी जगह कितना रख लो 21.5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसके बाद इनटू नंबर ऑफ रिवेट, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवेट कितने होंगे, और हम स्ट्रेंथ पर पिच के लिए निकाल रहे हैं, तो कितनी सीरीज़ बन रही है, 1, 2, 3, कहेंगे सर कैसी सीरीज़, मैंने इसमें प्लान नहीं बताया, तो आप क्या बिना प्लान के इमेजिन कर पाएंगे कि हमारा कितना सीरीज़ है और पर पिच लेंथ के लिए कितने रिवेट आएंगे, हमारे 3 रिवेट आएंगे, समझ रहे हो। मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर इसका तुम प्लान बनाओगे तो प्लान तुम्हारा ऐसा बनेगा, देखो पहली प्लेट ये हो जाएगी और दूसरी प्लेट तुम्हारी ये हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो अब आगे कितने रिवेट हैं यहाँ ऊपर की ओर और नीचे कितने हैं वो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हमने 3 लाइन लगाई है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, यानी 3 सीरीज़ फॉलो करी है, एक सीरीज़ ठीक है इस तरीके से, दूसरी सीरीज इस तरीके से, और तीसरी सीरीज़ इस तरीके से हमने फॉलो करी है। ये प्लेटें और भी आगे हो सकती हैं, ठीक है, यानी इनकी चौड़ाई और भी हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ पर पिच लेंथ से, ये जो डिस्टेंस है इससे मतलब है हमें, जो कि हमारा कितना है 75 mm,
अब तुम मुझे बताओ कि इस पर पिच में तुम्हारे कितने रिवेट आ रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं पर पिच का डायग्राम साइड में बना देता हूँ ताकि तुम और क्लियर समझ सको। तो मैं पर पिच का डायग्राम निकाल के बाहर बना रहा हूँ। देखो इस तरीके से आधा रिवेट ये आएगा, आधा रिवेट ये, आधा रिवेट ये, आधा रिवेट ये, आधा रिवेट ये, आधा ये, टोटल कितने हैं? तो आधा आधा एक, आधा आधा एक, आधा आधा एक, तीन रिवेट है टोटल। तो नंबर ऑफ रिवेट कितने हो जाएंगे तुम्हारे? तीन। इसके बाद में अगर तुमसे पूछूं टाइप्स ऑफ फेलियर कौन सा आएगा, मतलब ये जो रिवेट फेल होंगे वो एक सिंगल प्लेन पे फेल होंगे कि डबल प्लेन पे? आप कहेंगे लैप जॉइंट है तो सिंगल प्लेन पर ही फेल होंगे, यानी एक से गुणा कराना है, ठीक है। तो तुम्हारी ये जो वैल्यू निकल करके आएगी फाइनली, ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी? तो तुम्हें 100 इंटू में कर देना है शिफ्ट के साथ पाई, फिर इंटू में कर देना है तीन, फिर तुम्हें गुणे कर देना 21.5, फिर 21.5 और इज इक्वल टू कर देना है, डिवाइड कर देना है तुम्हें 4 से। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कितना? 108.91 किलो न्यूटन, ठीक है। तुम इसको लगभग 109 किलो न्यूटन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पीएस का वैल्यू हो गया, समझ में आ गया पर पिच के लिए। इसको अगर तुम बोलो कि ये पीएस है क्या, तो ये तुम्हारा है दोस्तों सीयर स्ट्रेंथ, लिख लो इसका फुल फॉर्म, हालांकि मैं बता चुका हूँ, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फोर पर पिच लेंथ, फोर पर पिच लेंथ, ठीक है। यानी कि रिवेट का यूनिट पिच के लिए कर्तन सामर्थ्य, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद अब दूसरा हमें निकालना है, दूसरा हमारा पीबी होगा, जो कि क्या होगा? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फॉर पर पिच लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस, यानी एफ बी इंटू में एरिया, तो क्या होता है? डी इंटू टी, इंटू में क्या होता है? नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट होता है, ठीक है। चलिए तो एफ बी का वैल्यू तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा, कितना दिया है? 300 दिया है, ठीक है। ये देखो ये रखा हुआ है 300, तो यहाँ तो तुम 300 रख दोगे। इंटू डाया कितना दिया है? डाया दिया 21.5, तो ये 21.5 हो जाएगा। थिकनेस टी कितनी दी है? तो आप ध्यान रखो टी तुम्हें कितनी लेनी है। टी कौन सा लोगे, 16 वाला ये लोगे या ये 12 वाला? तो तुम कहोगे मिनिमम वाला, तो टी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12 mm हो जाएगा, ठीक है। तो तुम जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इंटू में तुम कितना कर दोगे? टी की जगह 12, ठीक है। चलिए इंटू नंबर में कितने रिवेट आ गए हैं देख लो, जिनका बियरिंग हो रहा है पर पिच में। ये जो पर पिच तुम लिए हो, एक्चुअली में पर पिच जो बोल रहा हूँ मैं बार बार, वो गेज ही होता है, मैं स्टार्टिंग बताया था तुमको, ठीक है। गेज की वैल्यू को ही यहाँ पर पिच कहा जा रहा है बार बार। तो कितने रिवेट जो है बियरिंग में आ रहे हैं? आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा आधा आधा, तीन आ रहे हैं, 1, 2, 3 हो गए पूरे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितने का करा दोगे? 3 का, समझ गए। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा 300 गुणे में 21.5 गुणे में हो जाएगा 36। तो ये वैल्यू निकल कर क्या आएगा? 232.20 किलो न्यूटन। तो ये तुम्हारा बियरिंग स्ट्रेंथ आ गया रिवेट का, ठीक है। अब लास्ट बचा है तुम्हारा क्या? लास्ट बचा है दोस्तों तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? लास्ट जो तुम्हें निकालना है वो तुम्हारा बचा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी पीटी का वैल्यू। तो पीटी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए पीटी का वैल्यू पूरी चौड़ाई के लिए लिखवाया है, पर पिच के लिए लिखवाया है, तो हमें पूरी चौड़ाई तो पता नहीं है, लेकिन हाँ पिच जरूर पता है। तो पिच के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बताए थे कि पिच में से डी घटा देते हैं और टी से गुणा करा देते हैं और एफ टी से गुणा करा देते हैं, ठीक है। ये बताए थे हम लोग, पूरी अगर चौड़ाई है प्लेट की तो उसके लिए स्ट्रेंथ हम आपको क्या बताए थे? वो हम आपको बताए थे बी इंटू टी एरिया और इंटू एफ टी। लेकिन अब पर पिच के लिए निकाल रहे हैं, तो एक पिच में हम देखते हैं कि एक रिवेट हमारा आ जाता है जिससे डी बाई टू ऊपर डी बाई टू नीचे कट जाता है, तो उतना हम घटा देते हैं, मतलब डी घटा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर बेसिक लेक्चर देख के आए होंगे थ्योरी वाला जहाँ मैंने डेराइव करके बताया था, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है रिवेट जॉइंट की, तो समझ गए होंगे, ठीक है। अगर 20 से कूद के आए हो सीधे भाई, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो पिच तुम्हें कितनी दी है? 75 दी है, ठीक है। इसके बाद डाया तुम्हें दिया है दोस्तों, मैं अभी देख के बता रहा हूँ, इसी में लिखा है, ठीक है, 21.5, तो मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। और जो थिकनेस है वो मिनिमम वाली है, तो 12 ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद एफ टी का वैल्यू 150 दिया है, ये तो मैं सब वैल्यू दी है, ठीक है, मैंने रख दी यहीं, देखिए सब वैल्यू लिखी हुई है। पी देखिए 75 दिया है, डी दिया है 21.5, ठीक है, टी आपका ये देखिए मिनिमम वाला 12 हो जाएगा, एफ टी देखिए 150 है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें अब रट जानी चाहिए, है ना, एक बार डेटा याद कर लो याद हो जाता है, ठीक है। चलिए ब्रैकेट 75, इसके बाद माइनस 21.5 ब्रैकेट क्लोज और इंटू करा दो 12, फिर इंटू करा दो 150, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा दोस्तों 96.30 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा?
ये तुम्हारा हो जाएगा पीटी का वैल्यू, ठीक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट फॉर पर पिच लेंथ। बट अब हमें चाहिए क्या चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता है पी एस पी बी और पी टी का मिनिमम वैल्यू। तो ये तुम्हारा पी एस का वैल्यू है जो तुम देख रहे हो 109, ये तुम्हारा पी बी का वैल्यू है जो तुम देख रहे हो 232, ये तुम्हारा पी टी का वैल्यू है जो तुम देख रहे हो 96। तो यानी सबसे कम तो यही है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट यानी रिवेट जोड़ की जो सामर्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 96.30 किलो न्यूटन, जो मिनिमम होता है तीनों में वही लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसी में सबसे पहले जोड़ फेल हो जाएगा, प्लेट कट जाएगी, इतना ही आएगा तो इतने में कट जाएगी प्लेट, ठीक है, बियरिंग हो ही नहीं पाएगी, उसके लिए 232 चाहिए, सीयर में कटने के लिए 109 चाहिए, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उससे पहले प्लेट दम तोड़ देगी और वो फट के अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ गए इतनी चीज़ को, किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे इफिशियंसी पूछ लूँ, कोई मुझे बताएगा इफिशियंसी को क्या होगा, इफिशियंसी ये तुम्हें कैलकुलेट करके खुद करना होगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो इफिशियंसी होता है ईटा बराबर हमारा जो स्ट्रेंथ है जॉइंट की वो, तो 96 कितना है 96.3 किलो न्यूटन, ठीक है, तो ये किलो न्यूटन में आ गया। और बटे में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो अब जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट लेनी है वो पर पिच के लिए लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पर पिच के लिए ही सॉल्व हुआ है। तो पर पिच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी, ठीक है, पी इंटू टी इंटू एफ टी, ये होता है इंटू में 100% होता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, तुम्हारी न्यूटन में आएगी। तो या तो इस किलो न्यूटन में 1000 से गुणा करके न्यूटन कर लेना, या इस न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से ईटा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब जो आंसर आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, मैं चेक करूँगा, जो लोग करके बताएंगे कमेंट में जिनका सही आंसर होगा, ठीक है, चलिए उनको हट देंगे हम लोग, ठीक है। तो ज़रूर करके बताना कि किनका ये जो आंसर है वो आ रहा है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट जरूर करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पिच तुम्हारा क्या रखा है। देखिए मैं इसको रख भी देता हूँ, वैल्यू भी रख देता हूँ, ठीक है, इतना किलो न्यूटन हो जाएगा, और बटे में पी का वैल्यू 75 दिया है तुम्हें, थिकनेस तुम्हारी 12 है, एफ टी तुम्हारा 150 है, गुणे में 100% करना है, तो ये तुम्हारा वैल्यू आएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आए तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, या मैं कहूँ तो निकाल भी देता हूँ, ठीक है, तो तुम चेक कर लेना, चलिए मैं निकाल देता हूँ, चेक कर लेना तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आंसर मत देखना, वीडियो पॉज कर लो अभी इसी जगह पे, अब खुद का कैलकुलेट करके फिर मिलाना, ठीक है। तो 96.30, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ध्यान रखना ये किलो न्यूटन में, नीचे वाला न्यूटन में, तो ऊपर वाले को मैं न्यूटन में कर रहा हूँ 1000 से गुणा करके, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, इसमें मुझे डिवाइड करना है किस से, 75 × 12 × 150, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 0.71, और अब 100% से गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 71.34%, ये इफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेना किस किस की ये आ चुकी है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आठवां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन तो हम ये कर चुके थे पर पिच के लिए स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, लेकिन बस जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि थिकनेस अलग अलग हो जाए, तो थिकनेस अलग अलग हो गई तो हमने समझा दिया आपको। तो ये दोस्तों तुम्हारा क्लियर हो गया, कौन सा, ये तुम्हारा क्लियर होगा जो तुम्हारा लैप जॉइंट है उसका, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट जॉइंट का कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन कुछ कराए हैं लेफ्ट जॉइंट के, जिसमें पूरा प्लेट में रिवेट हम गिन सकते हैं प्लान में देख करके, तो उसमें तुम थिकनेस को चेंज करके खुद से करना, ठीक है, ठीक है, उसको तुम्हें खुद से करना, जो मैं अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें बताया था। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आठवां पूरा फिनिश होता है, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, वैसे समझने के बाद खुद से लगाया करो तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा, है ना। चलिए तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब दोस्तों जो हमारा नौवा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा नौवा क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा नौवा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, ठीक है। तो नौवे क्वेश्चन को आप सभी लोग स्क्रीन पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी आपका नौवा क्वेश्चन दिया गया है तो स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया, इसको पढ़िए। तो नौवे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि एक दोहरे आवरण दोहरी रिवेटदार बट जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिएगा। यानी आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट की स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आगे कहा गया है यदि मुख्य प्लेटों की जो मोटाई है, यानी जो मेन प्लेट है उनकी थिकनेस है 18 mm, ठीक है, रिवेट का ब्यास है आपका 22 mm, और पिच जो दी है 70 mm दी है, ठीक है। परमिजिबल स्ट्रेस एफ टी दिया है 150 MPa आपका पास्कल, फिर इसके बाद जो एफ एस दिया है, ठीक है, आपका वो दिया है 90 MPa, एफ बी दिया है आपका 270 MPa, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है कि आवरण प्लेट की निम्न मोटाइयों के लिए सामर्थ आपको फाइंड आउट करनी है, यानी जब कवर प्लेट 8 mm हो पहली कंडीशन,
और दूसरी है जब कवर प्लेट आपकी 10 mm हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, कि जब आपकी जो कवर प्लेट है दोस्तों उनकी थिकनेस क्या हो, मेन प्लेट से कम हो, मेन प्लेट से ज़्यादा हो, दोनों आपके कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश से पढ़ते हैं। तो बोला है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट। ठीक है, फिर आगे कहा है इफ द थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट इज 18 mm, द रिवेट डायमीटर इज 22 mm एंड द पिच इज 70 mm। ठीक है, एंड आगे बोला है परमिजिबल स्ट्रेस एफ टी इज इक्वल टू 150 MPa, और फिर आगे बोला है कि जो एफ एस की वैल्यू है वो है 90 MPa। ठीक है, इसके बाद एफ बी की वैल्यू बोली है आपका 270 MPa। ठीक है, आगे कहा है फाइंड द स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। केस वन दिया है इफ द कवर प्लेट आर 18 mm थिक, और केस दूसरा दिया है इफ द कवर प्लेट आर 10 mm थिक। ठीक है, तो ये सब हमें गिवन डेटा दिया गया है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो जो डायग्राम है हमारा वो किसके लिए हम बना रहे हैं, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट के लिए। ठीक है, तो चलिए डायग्राम को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो डायग्राम हमारा क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखिए, ये लाइट जा चुकी है तो थोड़ा वेट करिएगा, इसके बाद जो हमारा वीडियो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और तब तक मैं ये फिगर भी बना देता हूँ आपका जो दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो देखिए लाइट आ चुकी है और हम ये फिगर बना रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहेगा, समझिए उसको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था हम लोगों का एक डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट जॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, जो डायग्राम हम बना रहे थे, तो ये हमने पूरा डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें हैं वो हम शो कर देते हैं। तो बोला था कि जो हमारी मेन प्लेटें हैं उनकी थिकनेस कितनी, 18 mm। ठीक है, तो ये हमारा 18 mm हो जाएगा, ये भी हमारा 18 mm हो जाएगा। ठीक है, ये बोला था। ओके, और कुछ चीज़ें और दी थी जैसे कि रिवेट का व्यास, तो हमारा यहाँ पे गिवन हो जाएगा क्या क्या, नॉमिनल डाया कितना दिया था, 22 mm। तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा, 23.5 mm। ठीक है ना, ये हमारा ग्रॉस डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद पिच दी थी उसने, पिच की वैल्यू दी थी, पी की वैल्यू कितनी दी थी हमें, 70 mm। क्या आप लोग ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी, ये बिना प्लान बनाए हुए बना सकते हो, मतलब इसकी सारी की सारी जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हो बिना प्लान बनाए हुए, थोड़ा सा देखना माइंड में हल्का सा प्रेशर डालना और निखार आएगा आपके अंदर अगर आप ये कर पाते हो तो, क्योंकि मेन चीज़ है नंबर ऑफ रिवेट काउंट करना, अगर वो कर लिए बिना प्लान बनाए हुए, ध्यान रखना बिना प्लान बनाए हुए, केवल बस एलिवेशन से ही देख के बताना है। तो चलिए देखते, ट्राई करते कर पाते हो कि नहीं। तो ये तुम्हारा पिच दिया था, इसके बाद परमिजिबल स्ट्रेस दिए थे। ठीक है, तो एफ टी का वैल्यू दिया है, एफ टी का वैल्यू 150 MPa, एफ टी दे दिया। इसके बाद एफ एस दे दिया 90 MPa। इसके बाद एफ क्या बचा, बी बचा है ना, तो एफ बी होगा तुम्हारे पास। तो एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू है 270 MPa। ठीक है, इतनी हमें वैल्यू दी है। और केस अब दो दिए थे केस की, यदि जो हमारी कवर प्लेट है 8 mm मोटी हो और यदि हमारी कवर प्लेट है 10 mm मोटी। तो हम पहले केस वन को लेते हैं। ठीक है, केस वन, यदि कवर प्लेट 8 mm मोटी हो, यानी थिकनेस जो है 8 mm हो। ठीक है, तो इस डायग्राम में ऐड कर लेना कि ये हमने 8 mm की मान रखी है, कितने की, 8 mm, और नीचे वाली भी हमने 8 mm की ही मान रखी है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, जोड़ की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में क्या करेंगे, वही PS, PB और PT में जो भी मिनिमम होगा वही तो हमें फाइंड करना है, वही हमारे जॉइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। समझ गए इस चीज़ को, है ना, सिंपल बिल्कुल। चलिए, तो अब बस कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए, पूरा डेटा तुम्हारे पास ये रहा, बस थिकनेस चाहिए। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि थिकनेस T की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कहोगे पहले तो हमें कवर प्लेट की जो थिकनेस है दोनों की जोड़नी पड़ेगी। मैं कहूँगा जोड़ लो, तो तुम कहोगे 8 + 8, मैं कहूँगा कितना होगा, तुम कहोगे 16 mm हो जाएगा। मैं कहूँगा मेन प्लेट कितना है, तुम कहोगे 18 mm का। मैं कहूँगा दोनों में कम कौन है, आप कहेंगे ये 16 mm, तो यानी तुम्हारा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 mm आ जाएगा। ठीक है, बस कहानी ख़त्म यहीं से, टी का वैल्यू मिल गया हमें। केस वन के लिए है जब कवर प्लेट है 8 mm मोटी हो,
और जब 10 हो जाएंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है ना। वहाँ टी का वैल्यू ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, बताते हैं ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो पर पिच लेंथ के लिए निकालना है, तो पर पिच लेंथ के लिए फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वैल्यूज रखते हैं, कैसे रिवेट निकालते हैं, कैसे हम लोग फेल्योर पता करते हैं, वो सबको पता होगा, आता भी होगा ठीक है। चलिए तो यानी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पीएस का वैल्यू, पीएस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी पीएस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है दोस्तों हमारा, पहले तो ये बताओ ये है क्या, ये जो पीएस तुम निकाल रहे हो ये तुम्हारा है क्या, पीएस का जो वैल्यू है ये तुम निकाल रहे हो है क्या, ये है तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फोर पर पिच लेंथ, फोर पर पिच लेंथ ठीक है। ये तुम्हारा क्या है वैल्यू पी एस का, तो पी एस स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी एफ एस इंटू में एरिया, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। ये तो एक सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ है, लेकिन पूरे रिवेट कितने आए होंगे एक पिच में, अभी प्लान मत बनाना, मैं बता रहा हूँ तुम प्लान मत बनाओ, थोड़ा सा माइंड में अगर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हो तो डालने की कोशिश करो, आ जाएगा ठीक है। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक आने की वजह से प्लीज़ प्लीज़ सॉरी एंड मैं पॉज करने जा रहा हूँ वीडियो। चलिए भैया चले गए हैं, जो सॉन्ग बजा रहे थे टेम्पो वाले भैया थे, बड़े स्पीड में निकले भाई, एकदम मस्त वाला गाना बजाते हुए है ना, सैड सॉन्ग बजाते हुए निकल गए भाई, ठीक है पूरा माहौल ख़राब कर दिया है ना। चलिए कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। एक्चुअली है क्या ना कि मतलब जिस जगह पर मैं रहता हूँ वो एरिया ऐसा है, मतलब बहुत चलता फिरता है भाई, बहुत सारे वाहन निकलते हैं, किसी के यहाँ पार्टी होती रहती है ना, किसी के यहाँ कहीं भजन चल रहा है, तो अक्सर आप देखते रहते होंगे कि मैं वीडियो अक्सर पॉज कर देता हूँ सिर्फ इन्हीं कारणों से, या तो कोई सब्जी वाले भैया निकल पड़ते हैं ठीक है, क्योंकि मेन गली में घर है, इसके बाद किसी कोई बाहर निकल पड़ता अचानक से है ना, तुम देखे होगे कहीं कोई डीजे वाले भैया निकल पड़ते हैं, कोई सॉन्ग ही बजा देता है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो जब मैं इनको फेस कर सकता हूँ तो यार तुम तो फिर ऐसा है कि मतलब मुझे कितनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, मतलब एडिटिंग बढ़ जाती है हर चीज़, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा स्किप करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं वीडियो पॉज करता हूँ ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को ठीक है। और ये करना पड़ता है दोस्तों, फिर यही चीज़ वरना प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे, अगर कोई सॉन्ग वगैरह है कॉपीराइट आने का डर रहता है ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे पी एस इज इक्वल टू एफ एस इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर ठीक है, तो ये तो एक सिंगल रिवेट का है। अब इंटू में हम देखिए दो फॉर्मूले बताए थे इसका, या तो तुम नंबर ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेन कर दो, या तुम कर दो नंबर ऑफ रिवेट करेंगे आर आई बी ई टी, नंबर ऑफ रिवेट इंटू टाइप्स ऑफ फेल्योर कर दो, टाइप्स ऑफ फेल्योर, किस टाइप का फेल्योर है, सिंगल या डबल ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि रिवेट कितने होंगे, तो मुझे बताओगे इस जॉइंट को देख करके कितने रिवेट आएंगे पर पिच में, क्योंकि पिच दी है, ध्यान रखना पिच दी है इसलिए ध्यान रखना कितने रिवेट आएंगे। मैं कहूँगा सामने से मुझे कितने रिवेट दिखाई दे रहे हैं, सामने से देखिए चार दिखाई दे रहे हैं ना, नहीं भाई साहब ये बट जॉइंट है, तो तुम्हें केवल दो को लेके चलना है, ध्यान रखो केवल दो रिवेट को लेके चलना है, मैंने बताया था बट जॉइंट के केस में, तो यानी लेफ्ट वाले ही दो हम केवल रिवेट को देखेंगे, तो एक सीरीज़ में पर पिच लेंथ के लिए एक रिवेट आ जाएगा, दूसरी सीरीज़ में हमारा क्या आ जाएगा पर पिच लेंथ के लिए एक रिवेट आ जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, इसी तरीके से यहाँ भी आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएगा, यानी कि हमारे दो रिवेट होंगे। समझे कि नहीं समझे, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको बना करके समझाता हूँ, क्योंकि मुझे हर किसी को लेके चलना है साथ ठीक है ना। तो एफ एस का वैल्यू पहले रखो, फिर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ नंबर ऑफ रिवेट दो कैसे आए ठीक है। तो एफ एस का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो एफ एस का वैल्यू, ये तो मेगा पक्सल लिख दिया भैया, इसका तो वैल्यू ही नहीं लिखा, एक सेकेंड हम थोड़ा इसको जला लेते हैं यार, ये तो बुझ ही गया कितना दिया है, किसका वैल्यू एफ एस का वैल्यू, तो ये तो कितना दिया है भाई 90 दिया है ना, इधर तो लिखा ही नहीं हम लोग, ये कितना है 90 है, ध्यान रखना 90 मेगा पैक्सल है ठीक है, 90 मेगा पास्कल है हमारा, तो एफ एस का वैल्यू 90 इंटू पाई बाई फोर, और डाया कितना है देखो, डाया ये है 23.5 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ रिवेट कितने बताए थे मैंने दो, इंटू टाइप्स ऑफ फेल्योर क्या होगा, मतलब जो रिवेट का फेल्योर होगा किस टाइप का होगा, सिंगल या डबल, आप कहेंगे डबल, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा है बट जॉइंट इसलिए ठीक है। चलिए तो इसको हम दो से गुणा करा देंगे ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। अभी मैं समझाता हूँ ये दो मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, अगर जो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सब आ जाएगा ठीक है। तो 90 इंटू में शिफ्ट के साथ पाई इंटू में हमारा 4 हो जाएगा, और इंटू में हमारा हो जाएगा 23.5 गुणे 23.5 ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 156.145 किलो न्यूटन
ये वैल्यू है आपकी किसकी, पी एस की यानी शियर स्ट्रेंथ की, ठीक है। अब जिनको ये समझ में नहीं आया कि सर ये दो रिवेट कैसे ले लिया आपने, है ना, तो मैं उनको देखिए कुछ भी नहीं कर सकता, उनके लिए मैं प्लान बना देता हूँ यहाँ पे। तो प्लान देख के तुम समझ लेना कि ये कैसे हमने काउंट करें। देखो ये तुम्हारी हो जाएगी एक मेन प्लेट, ठीक उसी के सामने ये तुम्हारी दूसरी मेन प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर तुमने लगा रखी है कवर प्लेट, तो ये तुम्हारी कवर प्लेट है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हमें एलिवेशन तो दिया है, हम बना सकते हैं नाम के हिसाब से, लेकिन अब प्लान में कितने रिवेट दिख रहे हैं, मतलब एक सीरीज़ में कितने रिवेट लगा रखे हैं, 4, 5, 6, 10, हमें कुछ पता नहीं। हम मान लेते हैं सपोज करके कुछ भी, हमने सपोज 3 रिवेट मान लिए, ठीक है। ये इसी तरीके से यहाँ 3 रिवेट मान लिए, ठीक है। यहाँ भी 3 रिवेट, 1, 2, 3, यहाँ भी 3 रिवेट, 1, 2, 3। तो हमें तो केवल पर पिच से मतलब है, तो हम तो एक रिवेट लाइन यहाँ खींचेंगे, एक रिवेट लाइन ये खींचेंगे, और जो बीच का पोर्शन होगा वो लेके आ जाएंगे आउटर साइड, यहाँ कहीं अलग से बना लो समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली में बट जॉइंट है, तो हम दोनों साइड का पोर्शन नहीं लेंगे, हम जहाँ पर मेन प्लेट मीट कर रही होती हैं उनका लेफ्ट वाला पोर्शन लेंगे, मतलब हमें केवल इतने पार्ट से मतलब है, ठीक है, ये वाला। तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ ऐसे, तो आधा रिवेट तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ये वाला आधा रिवेट ये पर पिच के अंदर, जिसको हम गेज कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इतना भाग हमारा आ जाएगा। तो अब तुम बताओ इतने पार्ट के अंदर कितने रिवेट आए, आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये, दो रिवेट आए कि नहीं आए। इसीलिए हमने क्या करा है, दो रिवेट लिए, ये हमारा पिच है जो कि 70 mm दिया है, ठीक है। तो आ गया समझ में कैसे लिए। चलिए अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, पी बी की वैल्यू निकालनी है। तो पी बी के लिए हमारा हो जाएगा एफ बी, ये क्या है आपको पता है, बियरिंग स्ट्रेंथ है किसकी, रिवेट की, ठीक है, फॉर पर पिच लेंथ। तो एफ बी इंटू में एरिया लेना है, जो कि क्या होता है, डी इंटू टी होता है, इंटू में नंबर ऑफ रिवेट होता है, ठीक है, समझ रहा है इस चीज़ को। तो अब तुम्हारा एफ बी का वैल्यू कितना दिया है, एफ बी का वैल्यू दिया है 270, तो तुम 270 ले लोगे, इंटू डाया कितना दिया है, 23.5, 23.5 गुणे थिकनेस कितनी लेनी है, ये 16, इंटू नंबर ऑफ रिवेट कितने थे, तो अभी तो काउंट किए थे नंबर ऑफ रिवेट पर पिच के लिए, दो आए थे, तो यहाँ पे हम दो ले लेंगे, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट कर दो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, 270 गुणे में 23.5, तुम भी कैलकुलेट करते रहो, ठीक है, 16 × 32, तो 32 से गुणा करा दिया, ये आ गया 203 किलो न्यूटन, 203.040 किलो न्यूटन, ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, पी बी का, यानी इसका जो बियरिंग स्ट्रेंथ है रिवेट का वो इतना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक किसी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अब जो तीसरी चीज़ बची हुई है वो हम निकालते हैं, तीसरी चीज़ है हमारी पी टी की वैल्यू। तो पी टी की वैल्यू पर पिच के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट फॉर पर पिच लेंथ, ये लिख लेना, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं एकांक पिच के लिए प्लेट की तनन सामर्थ्य, ठीक है, समझ गए। तो अब ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तो हो जाएगा स्ट्रेस इंटू में एरिया, तो स्ट्रेस तो तुम ले लोगे एफ टी, लेकिन एरिया कितना लोगे, तो मैंने बताया था कि पूरी जब ठोस प्लेट होती है तो होता है बी इंटू टी, लेकिन जब तुम उसमें होल कर दिए होते हो तो उतना हमें घटाना पड़ता है। तो चूंकि एक सीरीज कहीं से, एक सीरीज से प्लेट फटेगी, तो पूरी पिच पी से ना प्लेट फट करके अब केवल इतना ही एरिया उसको फाड़ना, मतलब इतनी लेंथ फटेगी ये वाली, तो डी बाई टू घट जाएगा, मतलब डी हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पिच में से डी कम और टी से कर देंगे गुणा, तो यहाँ एफ टी का जो वैल्यू होता है वो 150 होता है, पिच हमें 70 दी है, माइनस डाया कितना है, डाया कितना है, ग्रॉस डाया, तो 23.5 है हमारा, तो 23.5 हो जाएगा गुणे में थिकनेस ऑफ प्लेट, तो ये देखिए 16 mm लेनी है हमें, तो 16 ले लेंगे, इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 70, फिर माइनस 23.5 ब्रैकेट क्लोज इनटू 16, तो ये आ जाएगा 111.6 किलो न्यूटन, 111.6 किलो न्यूटन। तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाएगा, पीटी का वैल्यू हो जाएगा। अब तुम्हें किसका स्ट्रेंथ चाहिए, तो जॉइंट का, तो इन तीनों में से जो मिनिमम हो वही तुम्हारा जॉइंट का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो बता दो कौन सा तुम्हारा इसमें वैल्यू मिनिमम है, देखो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, या फिर ये मिनिमम है, तो ये 156 है, ये 203 है, और ये 111 है, मतलब जो रिवेट जॉइंट का स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 111.6 किलो न्यूटन, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया कोई प्रॉब्लम, तो ये कंडीशन थी केस वन वाली, केस वन था ये हमारा, केस वन था जब कवर प्लेट 8 mm की थी,
इसके बाद अब दूसरा तुम्हें केस लेके चलना है। दूसरा जो केस लेके चल रहा है उसमें क्या बोला था, तो फिर से चेक करते हैं हम क्वेश्चन में। दूसरा केस है जब 10 mm मोटी हमारी प्लेटें दी गई हो, ठीक है। तो अब इसी डायग्राम को आप चाहें तो दोबारा बना सकते हैं, या तुम बस आप क्या कर लो, कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो 10-10 मान करके कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ तुमको, साइड में डायग्राम यही रहने देता हूँ, ठीक है, डायग्राम यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब तुम ये देखो कि अगर तुम्हारी कवर प्लेट 8-8 की थी, लेकिन अब 8 की ना होकर के अगर ये 10 की हो जाती, सपोज़ करके ये भी 10 की, ये ऊपर वाली ये अब 10 की हो जाती है, जो नीचे वाली है वो भी तुम्हारी 10 की हो जाती है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले इनको जोड़ लोगे दोनों को, तो 10+10 ये तुम्हारा कितना आ जाएगा। तुम पहले केस लिख लेना यहाँ पे, केस दूसरा यहाँ पे लिखोगे जब कवर प्लेट की मोटाई 10 mm हो, ठीक है। तो 10+10 ये तो हो जाएगा 20 mm, और मेन प्लेट की कितनी है, तो मेन प्लेट की तुम्हारी दी है 18 mm, ठीक है। चलिए अब दोनों में देखो कौन सी कम है, तुम कहोगे 18 वाली, मैं कहूँगा ये किसकी थिकनेस है, कहोगे मेन प्लेट की, तो यही टी का वैल्यू हो जाएगा 18 mm। तो अब इस बार टी का वैल्यू 18 लेके चलना है, बस सेम चीज़ें वही हैं जैसे तुमने पीएस निकाला था, सब चीज़ सेम रहेगा, लेकिन अगर प्लेट की थिकनेस इसमें यूज हो रही है तो तुम क्या कर दोगे, उसमें 18 रख दोगे, तो इसमें तो यूज होनी नहीं है। यानी मैं डायरेक्ट अगर तुमसे ये बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, STRENGTH, मुझे चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, देखना ये कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, और कैसे सॉल्व करना है वो भी समझो। तो ये कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे PS, PB और PT चाहिए, और इनका फिर मिनिमम मैं ले लूँगा, ठीक है, मुझे यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। तो पहला मैं कैलकुलेट करूँगा PS, तो क्या PS में हमारा थिकनेस यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, FS into pi by 4 d square into number of rivet into types of failure, ठीक है, यही तो होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसका वैल्यू तो आप सेम अभी निकाल चुकी हो, देखो यही तो पूरा वैल्यू निकाल चुकी हो, तो मतलब पूरा का पूरा वैल्यू सेम रखना है, क्या क्या 90 into pi by 4, 23.5 whole square into number of rivet दो थे हमारे, अभी दिखा रहे हैं, रुक जाओ, टाइप्स ऑफ फेल्योर हमारा डबल सीयर है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा और वैल्यू सेम रहेगी 156.145 kN, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा निकालना है PB, तो PB के लिए क्या करेंगे, वही FB into D into T into number of rivet, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट। तो ये भी बिल्कुल तुम्हें सेम करना है, बस जहाँ पर तुम्हारा थिकनेस टी आ रहा है, जो तुम अभी केवल यूज करते चले आ रहे थे, कितना कितना यूज करते चले आ रहे थे, 16, अब तुम्हें उसकी जगह यूज करना है कितना, 18, कितना यूज करना है, टी की जगह 18। तो FB का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लो FB का वैल्यू कितना है, FB का वैल्यू है 270, ये डाया है 23.5, बस यहाँ 18 करना है और ये 2 भी रहेगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 270 × 23.5 डाया हो जाएगा, थिकनेस चेंज हो जाएगी 16 से 18 और 2, तो ये जो वैल्यू थी वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है, चलिए वो तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, 270 × 23.5 हो जाएगा, इंटू में 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 228.420 किलो न्यूटन, ये अब इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी हो जाएगी, PB की वैल्यू, क्या हो जाएगी, PB की वैल्यू, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आप तुम्हारा क्या रहेगा, PT, तो PT के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेस यानी FT into area, तो पिच पर पिच के लिए, तो P-D into T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से FT तुम्हारा 150 दिया था, केवल थिकनेस चेंज करना है, P का वैल्यू तुम्हारा 70 था, डाया 23.5 था, थिकनेस 18 इस बार हो चुकी है, पहले कितनी थी, पहले 16 थी, ठीक है, इतना चेंज करना है बस। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो 150 into में ब्रैकेट के अंदर 70 − 23.5 ब्रैकेट क्लोज into 18, तो ये आ जाएगी 125, तो 125.550 kN, ठीक है। तो ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा PT का। अब तुम ये बताओ तीनों में से मिनिमम कौन सा है, ये तुम्हारा PS का वैल्यू है, मतलब ये सीयर स्ट्रेंथ रिवेट की फोर पर पिच लाइन, तीनों में से कौन मिनिमम है, ये 156 है, ये 228 है, ये 125 है। तो अभी भी जो हमारा रिवेट का स्ट्रेंथ रहेगा वो रहेगा टेंसाइल वाला, ये प्लेट का, तो रिवेट यहाँ से लिखो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट,
तो ये हो जाएगा 125.55 किलो न्यूटन, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ तुम लेते हो ना, जैसे तुम्हें पता चल गया कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ये है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा जो फेलियर होगा वो प्लेट के फेल होने से होगा, समझ रहे हो, मतलब सबसे जल्दी प्लेट फेल हो जाएगी, ये भी तुम ध्यान रख लिया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो दोनों केस तुम्हारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, जब प्लेट जो हमारी कवर प्लेट है उनकी थिकनेस मेन प्लेट से कम हो और जब ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमेशा कम ही वाली आपको लेना है। तो पूरा क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो पूरे क्वेश्चन का ले लो एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से लेते जाओ, ये और ले लो, लो इस तरीके से भाई, इस साइड का ले लो, केस दूसरा है तुम्हारा, देखो ये केस दूसरा है, वैसे साथ साथ लगाया करो पहले देखने के बाद, ठीक है, फिर अपने मन से लगाओ, जहाँ प्रॉब्लम होती है तो देख लिया करो, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों केस एक साथ ले लिए थे, ठीक है, तो दोनों ही सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अब मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन स्क्रीन पर शो करता हूँ, ठीक है, जो तुम्हें खुद से करना है उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, तो देखो तुम उस क्वेश्चन को क्या बोला गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, 9वां। अब 10वां क्वेश्चन तो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10वां क्वेश्चन, तो देखो उसमें बोला गया है कि एक दोहरी रिवेट बट जोड़ में, एक दोहरी रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 mm है तथा कवर प्लेटों की मोटाई 8 mm, यहाँ कवर है, कॉर्नर नहीं है, ठीक है ना, कवर कर लेना, यहाँ पे कवर प्लेटों की मोटाई कितनी 8 mm है। यदि रिवेट का डाया 22 mm हो तथा पिच 65 हो तो जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतनी चीज़ तुमसे पूछी गई है। परमिसिबल स्ट्रेस दे दिए हैं तुम्हें, FT दे दिया, FS दे दिया, FB दे दिया, तो इसमें तुम अगर देखोगे ना तो तुम्हें कवर प्लेट की थिकनेस कितनी दी है, या तुम पहले एक इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो, इसको बोला है इन अ डबल रिवेट बट जॉइंट द थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट इज 12 mm एंड द थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट इज 8 mm, इफ द डाया ऑफ रिवेट इज 22 mm एंड द पिच इज 65 mm, फाइंड द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है, यानी तुम्हें मेन प्लेट जो दी है दोस्तों, जो तुम्हें मेन प्लेट दी है वो कितनी दी है, तो मेन प्लेट दी है तुम्हें कितनी 12 mm की, कवर प्लेट दी है 8 mm की, तो तुम पहले क्या करोगे, दोनों कवर प्लेट को जोड़ लोगे, तो कवर प्लेट 8 mm की है तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो अब तुम ये चेक करोगे कि ये 16 mm जो आया है कवर प्लेट का योग वो मेन प्लेट से कम है कि ज़्यादा, तुम कहोगे ज़्यादा है भाई, 16 ज़्यादा होता है 12 से, तो यानी यहाँ टी का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा केवल 12 mm, यानी जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस। तो बस अब तुम्हारा यही एक केस तो बन गया, कौन सा केस बन गया, कि कवर प्लेटों का जो योग है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है ना, तो जब ज़्यादा हो गया तो मेन प्लेट की हम ले लेंगे केवल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, केस दूसरा बना है, ठीक है, ये दूसरा केस बना है, तो इस दूसरे केस को आई होप सभी लोग कर लोगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ तक तो तुम निकाल लोगे, स्ट्रेंथ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसने एक चीज़ और ऐड कर रखी है कि उसमें तुम्हें एफिशिएंसी भी निकालना है। तो अगर मैं तुम्हें इसी केस दूसरे की एफिशिएंसी निकाल के बताऊँ कि जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी ईटा बराबर होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में वही वैल्यू ले लोगे जो मिनिमम आएगी, जैसे कि ये वाली, तो 125 और ये 50 ये किलो न्यूटन हो जाएगा। बटे में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट फॉर पर पिच, जो कि होती है P×T×FT, ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी, ध्यान रखना, और इसके बाद 100% से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो अब तुम इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा है, ठीक है, ऊपर का वैल्यू ये रहेगा, पिच कितना दिया है 70 दिया था, जो भी दिया हो, तो ऊपर आ जाएगा 125.550 kN, और न्यूटन में बदलना है तो 1000 से गुणा करा देना, और पिच की वैल्यू जो दी है तुम्हें क्वेश्चन में, पिच की वैल्यू कितनी दी है 70 दी है, और जो थिकनेस ऑफ प्लेट ली है, तो केस दूसरा हम देख रहे हैं, इसलिए केस दूसरे में केस दूसरे वाली थिकनेस लेंगे 18, ठीक है, ध्यान रखना, पहले वाली की मत रख देना, तो ये 18 हो जाएगा। FT तुम्हारा 150 होता है, ठीक है, और ये वैल्यू न्यूटन में आएगी, ध्यान रखो, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। अगर ऊपर वाले को न्यूटन में करना है तो सीधा अभी 1000 से गुणा करा दो, तो ये न्यूटन में आ जाएगा, ये किलो न्यूटन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 100% कर देना, ठीक है। तो अब जो तुम कैलकुलेशन निकाल के लाओगे वो तुम्हारा एफिशिएंसी होगा, किसका, तुम्हारे जॉइंट का, और केस दूसरे में, ठीक है, जब कवर प्लेट जो है 10 mm की थी हमारी, तो इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, 125 में। हिंट दे रहा हूँ कि तुम्हें जो दूसरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वो तुम कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करोगे वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो ये तुम 500 कर दोगे, 125.550, ठीक है, ये इसके बाद इंटू में तुम्हें करना है 1000, तो ये तुमने कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, फिर कितना 70, इसके बाद गुणे में है 18, इसके बाद गुणे में है 150, ठीक है, इतना कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.66, और 100% से गुणा कराओगे तो 66% आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और पॉइंट में भी कुछ आ रही है वैल्यू, तो 66.4% के लगभग आ जाएगी, मतलब 66.5%, ठीक है।
तो ये तुम्हारी इफिशियंसी हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी तुम्हें इफिशियंसी और उसने ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा में, तो कर लोगे। अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम उसको एक बार देख लो थोड़ा सा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज का कंटेंट जितना रेडी किया था वो पूरा फिनिश हो गया। देखिए आज का अगला पेज खाली है पूरा, और ये लास्ट क्वेश्चन था जो तुम्हारे लिए मैं लेके आया था। देखो ये जो तुम्हें होमवर्क के रूप में दिया है मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो तुम्हें 10वां क्वेश्चन दिया होमवर्क के रूप में वो तुम्हें करना है। तो वही क्वेश्चन है हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में तुम देख चुके होगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे होंगे। ये डेटा है तुम्हारा, और इस तरीके से तुम PS निकालोगे, PV निकालोगे और PT निकालोगे, ठीक है। और T तुम्हारा 12 mm हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कवर प्लेट का जो थिकनेस तुम्हारा आया हुआ है वो 16 है और मेन प्लेट 12 की है, तो केवल मिनिमम लेते हैं हम तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो PS का वैल्यू ये होगा, PV का ये होगा और PT का ये हो जाएगा। अब तीनों में जो मिनिमम होगा वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद उसने पूछा था कि आपका इफिशियंसी क्या होगा जॉइंट का, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में ये रख दोगे तो ये रख दिया। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे, तो P × D × T, तो P × D × FT ये हो जाएगा तुम्हारा। तो सॉल्यूशन 117 आएगा इसका, वो रखोगे यहाँ पे, और ये किलो न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो जब किलो न्यूटन से किलो न्यूटन काट दोगे तो तुम्हारा 63.84 क्या जाएगा, परसेंट में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। ये किस में, परसेंट में वैल्यू। तो ये तुम आंसर भी चेक कर सकते हो अपना। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फिनिश होता है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी किसी भी तरीके की तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है आप लोगों के लिए, जो कि मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए हमने रिवेट वैल्यू को निकालना सीखा था कि रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कराए थे कम से कम मैंने रिवेट वैल्यू के, लेकिन दोनों क्वेश्चन में मैंने ये देखा था कि जो फेल्योर था वो सिंगल ही हो रहा था, मतलब हर बार उसने क्या कर रखा था, हमें लेफ्ट जॉइंट दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे बट जॉइंट देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 9वां क्वेश्चन, 10वां होमवर्क हो गया तुम्हारा। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, जल्दी से चेक करो इसको, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि एक 18 mm व्यास की रिवेट का रिवेट वैल्यू ज्ञात करो, यानी रिवेट मान ज्ञात करो। बोला है जो 12 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने हेतु दोहरे आवरण बट जोड़ में प्रयोग किए गए हैं, जोड़ में हस्तचालित रिवेट प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या कहा गया है, बोला गया है कि फाइंड द रिवेट वैल्यू ऑफ अ रिवेट ऑफ 18 mm डायमीटर विच इज यूज्ड इन अ डबल कवर बोल्ट जॉइंट, लिखा है लेकिन यहाँ बट जॉइंट कर लेना, क्योंकि ये क्या है, गूगल भैया का ट्रांसलेट है, ठीक है। तो उसने बोल्ट लिख दिया, बट नहीं लिखा, तो तुम यहाँ क्या करोगे इंग्लिश में क्या कर लोगे, इसकी जगह बट जॉइंट कर लोगे, ठीक है। यानी कि फाइंड द रिवेट वैल्यू ऑफ अ रिवेट ऑफ 18 mm डायमीटर विच इज यूज्ड इन अ डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा इसकी जगह, डबल कवर बट जॉइंट जो बोला है उसने, ठीक है। तो इसकी जगह तुम अपना सही कर लो, सीक्वेंस में कर सकते हो, जैसे दोहरा आवरण बट जॉइंट बोलते हैं, तो इसको तुम डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट ही बोल सकते हो। अब ये गूगल भैया का ट्रांसलेट है, तो उसने अपने सीक्वेंस दे दिया है ना, तो तुम इसकी जगह बोल सकते हो डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, ठीक है। तो तुम ये लिख लेना, ठीक है। फिर बोला है बट जॉइंट, और फिर बोला है जॉइंट फॉर जॉइनिंग 12 mm थिक प्लेट, ठीक है, यानी 12 mm थिक प्लेट के लिए है। फिर बोला है मैनुअल रिवेट हैव बीन यूज्ड इन द जॉइंट, ठीक है, यानी अब देखिए हस्तचालित रिवेट होता है तो उसको हम हैंड ड्रिवन रिवेट कहते हैं, लेकिन गूगल भैया ने मैनुअल कर दिया उस चीज़ को, है ना, ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होती मैनुअल, वो एक्चुअल में होता है हैंड ड्रिवन रिवेट। मैं फिर भी उसको करेक्ट करा रहा हूँ, तो उसको करते जाना, ठीक है। जहाँ मैनुअल रिवेट लिखा है वहाँ पर लिख लेना हैंड ड्रिवन रिवेट, क्योंकि रिवेट हमने 3 तरीके पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें लिख लेना मैनुअल की जगह हैंड ड्रिवन रिवेट, ठीक है। इसका हमने यूज़ कर रखा है, और आपको यहाँ पे स्ट्रेसेस दिए हैं FS, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, और जहाँ पर FO लिख दिया वहाँ पे तुम्हें क्या करना है FB करना है, ठीक है। ये भी देखो गलत कर दिया, FB कर लेना इसकी जगह, तो FB क्या हो जाएगा, बियरिंग जो तुम्हारा स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस किस में, रिवेट में 250, ठीक है। तो मैं वैल्यू जो लिख रहा हूँ यहाँ गिवन डेटा उसको पे फोकस कर लेना, क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को यहाँ पे हम बनाते हैं, 11वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि एक 18 mm व्यास की, यानी नॉमिनल डाया दिया है, नॉमिनल डाया कितना 18 mm, चित्र बना देंगे, रुक जाओ अभी। ग्रॉस कितना हो जाएगा, ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा तुम्हारा, 18 25 से कम है तो अभी डेढ़ जोड़ेंगे, 19.5 mm, ठीक है। इसके बाद बोला है इसका रिवेट वैल्यू ज्ञात करना है तुम्हें, RV का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए रिवेट वैल्यू ज्ञात कर लेंगे।
बोला है जो 12 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने हेतु डबल कवर जो है बट जॉइंट में यूज किया गया है, ठीक है, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट में यूज किया गया है। हालांकि इसने प्लेटों की संख्या नहीं दी, एक या दो, तो मैंने बताया था जब ये ना कहा जाए तो दो प्लेटें ही यूज करनी है। तो अब मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम, यहाँ पे इसका जो डायग्राम है मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पहली आपकी मेन प्लेट, ये दूसरी मेन प्लेट, ये इसमें कवर प्लेट लगा दी, नीचे मैंने कवर प्लेट लगा दी। अब कौन सा जॉइंट है, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट, तो यहाँ भी दो हो जाएंगे, राइट में भी तुम्हारे दो रिवेट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा भैया, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा, समझ गए। अब देखो इसमें क्या कुछ बोला था, थिकनेस वगैरह दी थी मेन प्लेटों की, तो वो भी तुम लिख लो इसमें। 12 mm मोटी प्लेट है, ठीक है, तो ये 12 mm है तुम्हारा, ये भी 12 mm है मेन प्लेट, ठीक है। 12 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने हेतु दोहरे आवरण बट जोड़ में प्रयोग किया गया, ठीक है। हैंड रिबन रिवेट का हमने यूज़ किया है, और वैल्यू दी है FS का, FS का वैल्यू लिख लो 80 newton per mm square, और तुम्हारा FB का वैल्यू दिया है तो कितना हो जाएगा 250 newton per mm square। यही दो स्ट्रेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिवेट वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि हमें या तो सीयर या फिर हमारा जो बीयरिंग उसमें फेल होगा, तो दोनों ये निकालेंगे बस, ठीक है। तो अब हमें निकालना है रिवेट वैल्यू यानी RV। तो आपको पता है कि जो रिवेट वैल्यू होता है वो होता है एक रिवेट पर आने वाला वह लोड या वह फोर्स जिस पर वो रिवेट फेल हो जाता है। तो रिवेट दो तरीके से ही फेल होता है, या तो वो सीयर में फेल हो जाएगा या तो वो बीयरिंग में फेल हो जाएगा, दो ही केस बनेंगे केवल और केवल, ठीक है। अब सीयर में फेल हो सकता है तो वो सिंगल में हो सकता है या डबल सीयर फेल्योर हो सकता है उसमें। तो ये तो तुम्हारा कौन सा जॉइंट है, बट जॉइंट है, तो कौन सा फेल्योर होगा, डबल। तो इसीलिए तुम यहाँ जो सीयर फेल्योर निकालोगे वो निकालोगे PS यानी सीयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो FS हो जाएगा इंटू सिंगल रिवेट के लिए तो π/4 D², ये एक सिंगल रिवेट के लिए, ठीक है। लेकिन फेल्योर कैसा हो रहा है, डबल, तो दो से गुणा करा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो PS की वैल्यू निकलेगी, PS की वैल्यू कितनी निकलेगी, FS, तो FS कितना है 80, तो 80 रख दोगे, गोड़े में करा दोगे π/4, और ग्रॉस डायमीटर तुम्हारा 19.5 है, तो 19.5 का स्क्वायर इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा PS का वैल्यू निकलेगा। लेकिन बीयरिंग के लिए निकालोगे, बीयरिंग के लिए निकालोगे तो PB बराबर हो जाएगा FB, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया होता है D × T, ठीक है। कितना होता है, D × T होता है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है दोस्त, D × T होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो एक सिंगल रिवेट का है, किसका है, सिंगल रिवेट का, लेकिन सिंगल रिवेट के लिए तो ये निकालना है, तो एक से गुणा भी करा दो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पे लिखना चाह रहे हो कि सर नंबर ऑफ रिवेट हमें लिखना है, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ रिवेट आप लिख दो, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये बताइए, अगर इसका हम प्लान बनाएं तो एक सीरीज़ यहाँ पर आएगी, एक सीरीज़ यहाँ पर आएगी, हम कहेंगे हाँ, तो कहेंगे सर पर पिच के लिए कहीं दो रिवेट तो नहीं आ जाएंगे, हम कहेंगे भाई दो रिवेट आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो एक रिवेट लेके चल रहे हैं ना, तो हम एक से ही गुणा कराएंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो बीयरिंग स्ट्रेंथ इतनी लिखी जाती है, इतनी जो तुम दिख रहे हो, एक सिंगल रिवेट की होती, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों इतना दिमाग चला रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये FB बराबर हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा FB, तो 250 हो जाएगा, गुड़े में तुम्हारा डाया डी तुम्हें से पूछ रहा है तो 19.5, और टी पूछ रहा है तो टी तुम्हारा 12 है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर दीजिए दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा PB का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा PS का वैल्यू, जो मिनिमम हो वो तुम्हारा रिवेट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको कैलकुलेट करिए, 80 इंटू में हो जाएगा शिफ्ट के साथ तुम्हारा पाई, फिर इंटू में 2 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 19.5 और फिर गुणा कराइए 19.5 का, इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा 47.78 kN, ठीक है। ये वैल्यू PS की हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो 250 यानी 250 गुणे में 19.5, फिर गुणे में तुम्हारा 12 हो जाएगा, तो ये फाइनली निकल करके आएगा कितना, 58 यानी 58.50 kN। तो ये तुम्हारा बियरिंग स्ट्रेंथ आया, ठीक है। तो अब तुम मुझे ये बताओ मिनिमम कौन सा है, तो तुम कहोगे सीयर वाला, तो यही तुम्हारा रिवेट वैल्यू हो जाएगा, तो रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू 47.78 kN, ठीक है। यानी जो रिवेट का फेलियर होगा वो सीयर में हो जाएगा, बियरिंग में पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि ये वैल्यू कम है, इसमें ही पहले कट के अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया दोस्तों आज का 11वां क्वेश्चन।
तो आई होप सभी लोगों को 11वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने जितना कंटेंट तैयार करा था स्लाइड में वो तो सब मैं आज सॉल्व ही करा दिया भाई, मेरे पास कंटेंट ही नहीं बचा। आप देखिए ना मेरी कॉपी में कोई भी कंटेंट है। ये क्वेश्चन था होमवर्क तो वो मैं दिखा दिया, आगे का पेज खाली है देखो पूरा का पूरा। अब कंटेंट कल के लिए तैयार करूँगा, ठीक है, और भी क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा तुम्हारे लिए। तो अब मैं बुक की एक्सरसाइज को यहाँ पे पुट अप करूँगा, ठीक है, जो बुक की एक्सरसाइज होगी उसके क्वेश्चन लेके आऊँगा। लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अभी डायमंड पर मत जाना, ठीक है, डायमंड पर मत जाना, उसका अलग से वीडियो आएगा। डायमंड पर मत जाना कि सर अभी तो बुक की तुम डायमंड वाले सब छोड़ दिए हो, कठिन है ना इसलिए छोड़ दिए हो। हम कहेंगे भैया कठिन हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि अभी तुमको हम उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए हैं। तो सीधा क्वेश्चन करा के क्या करेंगे, है ना। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे एक वीडियो में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल जो है वो बनाएंगे। तो अभी जितने तुम्हें डायमंड रिबेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखें उनको सबको छोड़ते जाओ, क्या ना भैया अभी तुम दूर रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ने दो, फिर देखेंगे तुम्हें, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो लगभग मेरा जो स्लाइड था पूरा का पूरा ये तो मैं सॉल्व करा ही चुका हूँ, ठीक है। अब बचे नहीं है इसमें क्वेश्चन, तो हो सके तो और प्रैक्टिस करिए इसी टाइप के क्वेश्चंस की, कहीं प्रॉब्लम हो तो और पूछते रहिए। तो आज लगभग 11 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन हो गए लगभग, मतलब 4 से 5 हमने आज फिर से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आए होंगे ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम होती है कोई भी तो पूछते रहो, ठीक है। अब अगर आपका मन हो तो मैं कुछ और क्वेश्चन तुम्हें कराऊं। मन है आपका करने का ये बताओ पहले, अगर मन हो तो मैं और क्वेश्चन तुम्हें करा दूं, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक PDF और डली पड़ी हुई है, तो उसमें जो क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ, ठीक है, चेक करता हूँ, ओपन कर लूँ, उसमें जो क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो उसमें जो तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब वो बहुत 0 लेवल के हो जाएंगे, है ना। तो तुमने लगभग सब टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो अब अगर तुम इन क्वेश्चन को बनाओगे, मैं स्क्रीन पर शो करूँगा, देखो तुम, तो ट्राई करो, होते हैं कि नहीं होते तुमसे, ठीक है। तो देखो हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप 2 पार्ट में वीडियो को करके देख लिया करो, ठीक है। चलिए, तो उससे आपको ये नहीं लगेगा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ जिसमें नंबरिंग क्वेश्चन 3 करके है, बट आपको नंबरिंग यही जो ध्यान रखनी है सिक्वेंस में, जो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवाया हुआ हूँ। 11 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के। तो अब जो 12वां क्वेश्चन है वो तुम यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, तुम्हें शो हो गया होगा, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो गया होगा। तो स्क्रीन पर बोला है दोस्तों कि यदि 2 सेंटीमीटर डाये वाला एक रिवेट 2 प्लेटों को जोड़ता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और रिवेट के लिए सुरक्षित अपरूपण सामर्थ्य जो है वो इतनी है, कितनी है, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अधिकतम कर्तन का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ याद करनी है, ठीक है। अब चित्र कौन सा है, तो वो इस PDF में नहीं है, तो वो मेरे पास इस नोट्स में चित्र बना होगा, तो मैं उस चित्र को तुम्हें बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं शो कर पाऊँगा क्योंकि वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, है ना, उसमें नहीं है, तो मैंने इसको अलग से बना रखा था शायद। यस, ये रहा यहाँ पे फिगर। चलिए, तो ये फिगर है, मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे इसी में, तो तुम देख के समझ लेना, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन में जो फिगर बना करके दिया है वो ये दिया है, सिंपल सा फिगर है, इस तरीके का फिगर है, देखो ऐसे क्वेश्चन में ही दिया है, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा। एक रिवेट जॉइंट लगा रखा है इस तरीके से, रिवेट लगा रखा है इस तरीके से, और बता रखा है कि लोड यहाँ लग रहा है और लोड यहाँ लग रहा है, ये उसने बता के रखा है हमें, ठीक है। चलिए, अब 12वें क्वेश्चन में दिया क्या क्या था, यानी गिवन क्या क्या है हमें, मतलब आपके हिसाब से तीसरा क्वेश्चन। तो 2 सेंटीमीटर जो है डाया है रिवेट का, इंग्लिश वाले भैया आपके लिए पढ़ देते हैं, हम भूल गए थे। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इज 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर, ये बोला है उसने। इफ़ अ रिवेट ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर जॉइंट 2 प्लेट्स एज शो इन फिगर एंड द परमिजिबल स्ट्रेसेस वगैरह वगैरह कुछ करके बोल रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, परमिजिबल स्ट्रेसेस वगैरह कुछ बोल रहा है तो वो कुछ उसने दिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यूज है वो आपको शो कर रहा हूँ अब, ठीक है, यहाँ पे कॉपी में। तो ध्यान से देखो हमें क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 2 सेंटीमीटर डाया दिया है, ठीक है, तो नॉमिनल डाया दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, चुटकियों में हो जाएगा, नॉमिनल डाया दिया है, कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब मैं 20 mm लिख सकता हूँ। तो ग्रॉस कितना हो जाएगा, ग्रॉस डाय कितना हो जाएगा स्मॉल डी, तुम कहोगे ये 25 से कम है तो 1.5 जोड़ देंगे, 21.5 mm हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। आगे क्या बोला गया है, 2 प्लेटों को जोड़ता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, रिवेट के लिए सुरक्षित अपरूपण सामर्थ्य इतनी इतनी है। एक तरीके से अगर तुम देखो ना, तो
तो ये तुम्हें स्ट्रेस दिया है, ठीक है, क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है, ध्यान रखना, स्ट्रेस दिया है ये तुम्हें, ठीक है, यानी किसका, शियर वाला, तो ये तुम्हें एफ एस की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, एफ एस की, 1000 kg/cm², ठीक है, ये तुम्हें जो है यहाँ पे क्या रखा है, वैल्यू दे रखा है। फिर बोला है तो अधिकतम कर्तन का मान ज्ञात कीजिए, यानी तुम्हें शियर स्ट्रेंथ अब ज्ञात करनी है, मतलब पी एस का वैल्यू, ठीक है, किसका, पी एस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पी एस के लिए फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, पी एस बराबर एफ एस गोड़े में π/4d². अब तुम्हारा मन अगर ये कह रहा है ना कि सर नंबर ऑफ रिवेट इंटू टाइप्स ऑफ फेलियर, या सर दूसरा फार्मूला एफ एस गुणे π/4d² इंटू नंबर ऑफ फेलियर प्लेन, क्या करोगे आगे ये ऐड करके, क्यों क्या करोगे तुम बताओ, तुम नंबर ऑफ रिवेट यहाँ से गिन सकते हो क्या, गिन सकते हो क्या, नहीं गिन पाओगे ना, टाइप्स ऑफ फेलियर, ओ नंबर ऑफ फेलियर प्लेन काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो यानी तुम्हें एक सिंगल रिवेट के लिए निकालना है, समझे इस चीज़ को, कैसे पकड़ा हमने, क्योंकि डेटा ही नहीं दिया हमें, जब डेटा ही नहीं दिया तो हम एक सिंगल रिवेट के लिए निकालेंगे। और ये मैंने समझाया था जब तुम्हें DSS का दूसरा क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में, उस टाइम समझाया था कि जब ये कुछ ना दिया हो तो समझ लेना एक सिंगल रिवेट के लिए ही निकालना है सबका सब। तो ये इतना ही तुमको लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, इतना ही लगाना है, बस वैल्यू रख दो जो तुम्हारे पास दी है। तो एफ पी एस बराबर एफ एस, तो एफ एस कितना है, 1000, ठीक है, इसके बाद इंटू π/4, और डी का वैल्यू कितना है, 21.5 mm, इसका स्क्वायर कर दो, कैलकुलेट कर लो इसको, तो इसको हम हटाते हैं, तो ये 1000 इंटू शिफ्ट के साथ दबाइए पाई इंटू 21.5 को दो बार, 21.5 इंटू फिर से 21.5 आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा इतना, डिवाइड करना है 4 से, तो ये तुम्हारा फाइनली आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 3050.30, कितना kg, इतना वैल्यू आएगा, क्या आएगा, इतना तुम्हारा जो है वैल्यू आएगा, ठीक है, समझ में आया कितना वैल्यू आएगा, 36 3050, ठीक है, इतना तुम्हारा जो है ये वैल्यू आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है भाई, ठीक है। अब तुम्हारे मन में अगर ये आ रहा होगा कि सर यहाँ एक से गुणा करा देते तो कोई दिक्कत थी, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि सर टाइप्स ऑफ फेलियर से तो गुणा करा ही देते कम से कम, उससे तो करा ही दो, हम कहेंगे बिल्कुल करा दो, इसलिए हम सीधा एक लिख दिए थे, नहीं लिखे थे एक, क्योंकि एक से गुणा कराने से कोई फ़ायदा नहीं था, हालांकि यहीं पे बट जॉइंट होता तो फिर दो से गुणा कराना पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हारा वैल्यू इतना आएगा, मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करके तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, चलिए एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, 1000 गुणे में हो जाएगा तुम्हारा शिफ्ट के साथ पाई हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद गुणे कर दोगे तुम कितना, 21.5 × 21.5 इज इक्वल टू इतना आएगा, डिवाइड करना है 4 से, तो तुम्हारा वैल्यू इतना ही आ रहा है भाई, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, इतना ही वैल्यू आएगा तुम्हारा, ठीक है, तो तुम इसको लिख लेना, ठीक है, इतना kg तुम्हारा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम है भाई, मुझे प्रॉब्लम है, अभी देखो क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ, ये तुम्हारा क्या है 1000, ये तुम्हारा क्या 1000 kg/cm², देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ आपको, परेशान मत होना, ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर रहा था आप लोगों को, देखो ये तुम्हें 1000 kg/cm² दिया था, ठीक है, इसके बाद π/4, इसके बाद इंटू में डी कितना दिया है, 21.5 mm का स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हें दिया है, इंटू में तुमने बन कर दिया, तुम यूनिट पे ध्यान देना, वैल्यू पे ध्यान मत देना, ये सब जो कट कूट के तुम्हारा क्या है बाद में, तो इतना ही आएगा, लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी वो चेक करना है, ठीक है, तो 36 3050 जो तुम 30 किलो लिखे हो, ये पहले तो गलत है, मैं बता दूँ अभी, ठीक है, देखो चेक करते कैसे, ये तुम्हारी यूनिट किस में, kg/cm² में, ये क्या है mm², तो तुम क्या सीधा mm² को cm² से काट दोगे, कहाँ से कट जाएगा भाई, नहीं कटेगा, तो इस सेंटीमीटर को पहले mm² में लेके चलना पड़ेगा, देखो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा kg, यूनिट पर ध्यान देना केवल, अभी ये kg, अब तुम्हारा cm², तो 1 cm बराबर होता है 10 mm, तो 10 mm का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में यहाँ पे mm², ठीक है, तो अब तुम्हारा ये कितना हो जाएगा kg ऊपर और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 100
mm² इंटू mm², ठीक है। तो अब तुम काट सकते हो और जो आई हुई वैल्यू है उसमें 100 से भाग और देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा चेक करिए, ठीक है। मिस्टेक ऐसी ही होती है दोस्तों, मिस्टेक ऐसी ही होती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया गलती करके सही कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से सीख जाओगे। सीधा पहले बता देता तो तुम गलती जरूर करते कहीं ना कहीं। तो यानी इसमें अभी तुम्हें किससे 100 से भाग और लगाना है, 2 डेसिमल और खिसका दो, यानी 3630.50 kg। अब सही है आंसर, एकदम सही है, ठीक है, अब तुम लिख सकते हो। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ तुम लोगों को। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मैं शायद करा चुका हूँ। इतना प्रतिबल है 12 मेमोरी प्लस जोड़ने के लिए, चलिए ये करा देते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पर तुम्हें एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है एक शक्ति संचालित रिवेट में बियरिंग में कार्यकारी प्रतिबल जो है वो 300 न्यूटन प्रति mm² है। क्या है, एक शक्ति संचालित रिवेट में, यानी एक पावर ड्रिवन शॉप रिवेट में बियरिंग के कंडीशन में, जब रिवेट का घिसाव हो रहा है उस कंडीशन में जो कार्यकारी प्रतिबल है, मतलब जो परमिसिबल स्ट्रेस है, वो 300 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। बोला है और 12 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए एक डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो रिवेट की बियरिंग में सामर्थ्य कितनी होगी, ये तुम्हें बतानी है। जो नॉमिनल डायमीटर है वो कितना है, 22 mm है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बोला है इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग इन अ पावर ड्रिवन रिवेट इज 300 न्यूटन पर mm² एंड अ डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट इज यूज्ड, क्या बोल दिया यहाँ पे भाई, बट ज्वाइंट, और नीचे क्या बोला था, बट ज्वाइंट ही बोला था, चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बट ज्वाइंट दिया है, कवर प्लेट बट ज्वाइंट इज यूज्ड टू ज्वाइन 12 mm थिक मेन प्लेट, ओके। व्हाट विल बी द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अगर आपका नॉमिनल डायमीटर जो है कितना दिया गया हो, 22 mm दिया गया हो। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए ये तुम्हारा 13वां क्वेश्चन है, इसको हटा दिया मैंने स्क्रीन से अभी थोड़ी देर के लिए, इसको समझिए पहले, अब आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, ठीक है। तो एक आपका पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है जिसमें आपका कार्यकारी जो प्रतिबल है वो कितना है, 300 न्यूटन पर mm² है, लेकिन ये कौन सा आपका परमिसिबल स्ट्रेस है, सीयर वाला है या बियरिंग वाला है। तो आप ये देख लिया करो कि स्ट्रेंथ कौन सी चाहिए हमें, स्ट्रेंथ बियरिंग वाली चाहिए। तो ये स्ट्रेस भी बियरिंग वाला होगा, यानी एफ बी का वैल्यू है कितना है, 300 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। और बोला है कि 12 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए, यानी टी का वैल्यू 12 mm दिया है, ठीक है। आपने क्या किया है, एक डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट का यूज़ किया है। तो फिगर बना देते हैं इस तरीके से, ये आपका बट ज्वाइंट हो जाएगा, डबल कवर प्लेट है इसमें, ठीक है। ये देखो तो एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको बना रखा है, ठीक है, ठीक है। और ये कितना है, 12 mm, ये भी 12 mm का है, दोनों ही तुम्हारी 12 mm की प्लेट हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए इतना जॉइंट का यूज़ किया गया है। तो रिवेट की बियरिंग में सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, यानी PB तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। PB तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो तुम PB कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बताइए, PB कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, अरे कर लोगे भाई, क्यों, देखो PB का वैल्यू क्या होता है, PB का वैल्यू क्या होता है, अरे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है। तो ये स्ट्रेंथ स्ट्रेस चाहिए, यानी FB, ये स्ट्रेस हो गया, इंटू एरिया, एरिया क्या होता है, D × T, इंटू में क्या होता है, नंबर ऑफ रिवेट होते हैं। ये भी ख़त्म हो गया भाई, ये भी ख़त्म हो गया पेन, एक सेकंड दोस्तों, चलिए ये रहा नंबर ऑफ रिवेट, ये भी ख़त्म है क्या, नहीं भाई ये तो सही है, नंबर ऑफ रिवेट, यही तो तुम्हें करना है। तो तुम्हारे पास FB की वैल्यू दी है, कितना दिया है, FB का वैल्यू दिया है तुम्हें 300, समझ में आ गया, ये कितना दिया है 300, डाया कितना दिया है, D का वैल्यू दिया है तुम्हें, तो इसका वैल्यू कहाँ से लाओगे भाई। तो उसने नॉमिनल डाया तो दिया था तुम्हें क्वेश्चन में, नॉमिनल दिया था यार, तो फिर तुम ग्रॉस निकाल लो, नॉमिनल कितना दिया था 22, तो ग्रॉस जो डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23.5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 23.5। तो तुम डी का वैल्यू कितना रख दोगे, 23.5, और टी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिवेट कितने हो जाएंगे, तुम ये मुझे बता सकते हो कि नंबर ऑफ रिवेट कितने होंगे, बताओ नंबर ऑफ रिवेट कितने होंगे बियरिंग में। तो ना तुम्हें पिच दी है, ना तुम्हें प्लान दिया है, कुछ भी दे ही नहीं रखा है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि पिच कितनी होगी, बताओ कैसे डिसाइड करोगे कि पिच कितनी होगी तुम्हारी, यानी कि नंबर ऑफ रिवेट कितने लेके आओगे तुम,
बताओ। तो नंबर ऑफ रिबेट तुम दो रखोगे यहाँ पे, कितने रखोगे? दो रखोगे नंबर ऑफ रिबेट, रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ। कन्फ्यूज़न है अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे। पिच दे नहीं रखा तो मैं, बियरिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है, एफ बी का वैल्यू कितना दे रखा था, एफ बी इंटू डी टी इंटू नंबर ऑफ रिबेट। तो एफ बी 300 रख दिया, डी का वैल्यू इतना रख दिया, टी का वैल्यू ये है, इसको भी रख दिया। अब नंबर ऑफ जो रिबेट है उसका भी गुणा कराना है चूँकि साथ में, तो नंबर ऑफ रिबेट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम इसका प्लान भी अगर मान लीजिए बाई चांस बनाते हैं बट जॉइंट का, तो हमें तो केवल दो सीरीज़ मिलेंगी, ठीक है। अब दो सीरीज़ में कितने रिबेट लगा रखे हैं वो कुछ नहीं पता हमें, ना उसने ये बोला कि पर पिच के लिए निकालना है, बोला है क्या? नहीं बोला, तो इसलिए दो से गुणा नहीं कराएंगे, ठीक है, ये तुम ध्यान रखो, नहीं कराएंगे, समझिए इस चीज़ को। दो से गुणा तभी कराएंगे जब वो पर पिच के लिए बोलेगा, जब पर पिच के लिए नहीं बोला है तो हम ये समझेंगे ना कि ये तो सिंगल रिबेट के लिए निकाल रहे हैं। सीधा सा फंडा है भाई, सिंगल रिबेट के लिए यही निकाल रहा है, क्योंकि ना उसने पिच दिया, ना उसने प्लेट की चौड़ाई, ना उसका प्लान बना करके दिया है कि हम उसमें रिबेट गिन सकें। तो तुम्हें किसी से भी गुणा नहीं कराना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले गलती करो फिर उसको समझो, ठीक है। चलिए, तो किसी से गुणा नहीं कराना है तुम्हें, समझे इस चीज़ को। तो तुम अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 300 गुणे में 23.5 गुणे में 12, ठीक है। और ये 100% सही है, तुम ये मत सोचना सर तुम पहले तो कुछ और लिखे थे, अब कुछ और लिख दिए भाई। तो पहले हम तुमको समझाए हैं कि क्यों करा था ऐसा, क्योंकि यार तुम सोचते हो भाई मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तुम्हारे जैसा ही एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा भी दिमाग ऐसे ही सड़कता था भाई कि अगर ऐसा कर दे तो, बट कोई बताने वाला नहीं होता था भाई यार, ठीक है। तो पहले तुम अपने तरीके से सोचो, मैं आपके मन में क्या चल रहा है वो सोचूंगा, फिर उसको बताऊंगा भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या, फिर क्यों नहीं हो सकता वो रीज़न दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा 300 गुणे में 23.5 और गुणे में 12 है, इतना हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8460 8460 8460। और ये वैल्यू किस में थी, एफ बी की, न्यूटन में। तो ये तुम्हारा न्यूटन है एक्चुअली अभी, यानी 84.6 किलो न्यूटन ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 84.6 किलो न्यूटन। तो ये तुम्हारा आंसर आ चुका है जो कि बिल्कुल सही ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तुमने 13वां क्वेश्चन दोस्तों देख लिया आज का, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, अगला क्वेश्चन मेरे में क्या लिख रखा है, मैंने इस टाइप क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, देखता हूँ। एक जोड़ में, ठीक है, यदि एफ टी इतना है, एफ एस इतना है, तो 20 mm व्यास लगाया हो, तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करिए, है ना, जोड़ की सामर्थ्य। इसको तुम जब तक नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। परेशान मत हो तुम लोग, तुम बस कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि क्वेश्चन भी सिलेक्ट करना होता है, ऐसा ना हो डबल ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि टाइम लगता है क्वेश्चन को कराने में, ठीक है। और तुम बोलो सारी तुम तो बस दो दो बार क्वेश्चन कराए जा रहे हो, तो क्वेश्चन में कुछ लॉजिक भी तो दिखना चाहिए ना, और लॉजिक ही नहीं दिखेगा तो क्या फ़ायदा उसको कराने से। तो बोला था चित्र में एक दोहरा रिबेट लैप जोड़ दिखाया गया, भाई कौन सा चित्र है? तो चित्र तो वहाँ है नहीं, मैं चित्र देख लूँ एक बार, ठीक है। यदि एफ टी इतना हो, ये इतना हो, और ये इतना हो, और जोड़ में रिबेट 20 mm व्यास पर लगाया हो, तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करिए, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। चलिए 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 चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम करा दिए हैं आपको। चलिए स्क्रीन पर शो करते हैं, आप देखो उसको, ठीक है, स्क्रीन पर शो करते हैं उसको, देखो और उसको समझो। देखिए स्क्रीन पर मैं पहले तो क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तुम देख लोगे क्या चीज़, जो उसका लैंग्वेज हिंदी में है, जो इंग्लिश में, वो दोनों तुम देख लोगे, ठीक है। फिर मैं फिगर दिखा दूंगा, तो तुम्हें उससे पिच पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखो क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन में। बोला है चित्र में एक दोहरा रिबेटदार लैप जोड़ दर्शाया गया है, ठीक है। चित्र कौन सा है, चित्र कौन सा है, तो चित्र देखो ये है, चित्र देखो, चित्र ये है पूरा का पूरा, देखो चित्र तुम्हारा ये रखा है, ठीक है। ये तुम्हें हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में भी देखेगा स्क्रीन पे, तो देख लेना। बोला है चित्र में एक दोहरा रिबेटदार लैप जोड़ दर्शाया गया, ठीक है। यदि एफ टी इतना हो, एफ एस इतना हो, एफ बी इतना हो, और जोड़ में रिबेट 20 mm व्यास के लगाए गए हों, तो जोड़ की सामर्थ्य और दक्षता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करनी है, दक्षता ज्ञात करनी है, तो यानी तुम्हें ये प्लान दिया कि नहीं दिया, तुम रिबेट गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, तो अब तैयार कर ही लोगे तुम। थ्योरी इंग्लिश में भी लिखी हुई है, मैं उसको भी पढ़ देता हूँ। बोला है आ डबल रिबेटेड लैप जॉइंट इज शोन इन द फिगर, इफ एफ टी इतना है, इफ एफ एस इतना है, इफ एफ बी इतना है, देन डायमीटर ऑफ रिबेट 20 mm है, ठीक है, जो कि हमने यूज़ किया है रिबेट जॉइंट को बनाने में। तब आपको क्या करना है, फाइंड द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो वो याद करनी है, तो सिंपल है यार, कर ही लोगे तुम इसको, तो है ना, कर ही लोगे, ये पूरा सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो
तो ये पूरा सॉल्यूशन है, तुम देख भी लो ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं तो कराने से कोई फायदा होगा नहीं हमें ठीक है। एफ एस एफ बी एफ टी तीनों का वैल्यू ये फाइंड करा है ठीक है, और नंबर ऑफ रिवेट और टाइप्स ऑफ फेलियर वगैरह वो हमने यहाँ पे काउंट कर रखे हैं ठीक है, क्योंकि प्लान दिया है तो सब आसान है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब इफिशियंसी नहीं निकाली है तो इफिशियंसी के लिए क्या करोगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू रिवेट जॉइंट का जो स्ट्रेंथ है वो, तो यानी ये वैल्यू और बटे में क्या कर दोगे, बटे में कर दोगे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कौन सी लोगे तो मुझे ये बताओ, चौड़ाई वाली या पर पिच वाली, तो चौड़ाई दी है तो चौड़ाई वाली लोगे, यानी कि बी इंटू टी इंटू एफ टी, तो बी ये रहा डी कितना हो जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा, रिवेट का डाया जो था 20 था, तो 21.5 यूज करोगे, कितना यूज करोगे 21.5, यहाँ डी दे रखा होगा भाई 21.5, यहाँ नहीं दे रखा, देखो यहीं कहीं होगा, ये है डी 21.5, तो वो रख दोगे। एफ टी कितना है, तो एफ टी 150 दे रखा होगा, देखो ये है, तो यूज़ करो, मौज करो ठीक है, और आंसर लेके आ जाओ। तो तुम्हारा ये भी क्वेश्चन फिनिश होता है यहाँ पे ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन था। तो 14 क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हुए ठीक है, 14 क्वेश्चन फिनिश हो गए, लगभग 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे कम से कम, और 20 से ऊपर ही हो जाएंगे देखना तुम, क्योंकि अभी एक लेक्चर और लेके आऊँगा महामैराथन ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है तुम इसको समझ गए होंगे ना, तो थोड़ा वेट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है वो बताता हूँ फिर ठीक है। बोला है कि सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में 16 mm मोटी दो प्लेटों को ठीक है 22 mm ब्यास के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, यदि रिवेट का पिच इतना हो तो जोड़ की समाप्त ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो चुका है। अगर तुम स्क्रीन पर इसको देखना चाहो तो मैं स्क्रीन पर शो करता हूँ इसको ठीक है। देखो क्वेश्चन 5 डला है, हालांकि आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 तुम्हें होमवर्क में मिल गया, अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखो पढ़ो, बोला है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में 16 mm मोटी दो प्लेटों को 22 mm ब्यास के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, यदि रिवेट का पिच 60 mm हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, यानी स्ट्रेंथ निकाली है बट पिच के बेस पे, तो निकाल लेना कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोला है इन अ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट टू प्लेट्स ऑफ 16 mm थिक आर जॉइंट बाई रिवेट्स ऑफ 20 mm डायमीटर, इफ द पिच ऑफ द रिवेट इज 60 mm फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो कर ही लोगे अगर इसका सॉल्यूशन मेरी कॉपी में होगा, तो मैं अभी तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ मैं अभी इसका सॉल्यूशन अगर होगा तो अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तुम बस थोड़ा वेट कर लो। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है तुम अभी क्वेश्चन पढ़ो, समझो उसको। 16 mm मोटी दो प्लेटों, चलो ये रहा देखो, ये रहा क्वेश्चन ठीक है, और ये उसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन, ये उसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया होगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, पर पिच लेंथ के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो PS, PV और PT ये हम लोग निकाल लेंगे, तो PS का ये वैल्यू, PV का ये वैल्यू आएगा, PT का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तीनों में जो मिनिमम होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा, तो ये इतना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो लगभग आज हमारे 15 क्वेश्चन फिनिश हो गए भाई, कितने हो गए 15 क्वेश्चन। तो जो मैंने यहाँ से ढूंढ ढाड़ के कैसे भी करके अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तैयार करे थे वो फिनिश हो गए। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे बुक का, जो कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा पूरा, तो उसमें अब तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा कि क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ पे मैंने सिक्वेंस में पढ़ाया है, पहले ये कॉन्सेप्ट उस पर क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट उस पर क्वेश्चन, लेकिन अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट का तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला है, बस सीधा मिक्स रहेगा, तुम्हें खुद से समझना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो बुक में भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो भी करा देंगे, तो लगभग 20 के ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही नहीं भाई। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बस डायमंड का और पढ़ लेना तो बाहर नहीं जाएगा। फिर जो आपका रिवेट जॉइंट का डिज़ाइन होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे तब जाके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल का एक वीडियो फिर लेके आऊँगा मैं, जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद या तो अजम्पशंस पढ़ा दूंगा, या जो आपका डायमंड रिवेटिंग है उसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा पूरा का पूरा, उस पर न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो नाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भाई, अब तुम्हें क्या पता नाइट है सर या डे है, तो नाइट हो चुकी है क्योंकि मैं वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ फिलहाल आज। तो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाओ, ग्रुप में शेयर कर दो सबसे, और बोल दो भाई पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन है नहीं वैसे, फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें, और आई होप ये जो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी किसी तरीके का डाउट रहता है
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज लगभग 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश करे हैं, और अब जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। राइट, चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।